ओके मालिक, इधर म्यूट नहीं किया ना, आवाज ऑनलाइन में आवाज कैप लेके जा रहा है तोड़ मैन। ओके आवाज, ओके मालिक। सो गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग रे, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करते कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। क्या कर रहे होंगे? तोड़। तो भारत माता की जय मालिक। तो हाँ, तोड़ का मतलब क्या है? ओके तोड़ का मतलब अभी अगर मैं बात करूं, एकदम भारी जब बोलते हैं ना, एकदम भारी, वो होता है अपना तोड़, एकदम क्रैक, एकदम झकास, एकदम भारी, एकदम कड़क, नेक्स्ट लेवल। ऐसा मैं मल्टीपल शब्द यूज नहीं करता, मैं सबको एक शब्द में डाल देता हूं। तो अगर किसी ने बोला कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, तोड़ लग रहा है। अब ये शब्द आया कहां से? अगर आपका क्वेरी ये है तो भाई, सीए फाइनल कर रहा था तब, पता नहीं वो अभी ऐसे उसकी हिस्ट्री मेरे को याद नहीं, पर सीए फाइनल कर रहा था तब का एक किस्सा था। उसके बाद वो तोड़ बैठ गया दिमाग में, तब से बैठ गया, तो फिर अपनी लाइफ ही तोड़ चल गई। मतलब इवन एचडीएफसी बैंक में आईटी डिपार्टमेंट में जब काम कर रहे थे तो यही शब्दों का प्रयोग होके बैंक में भी तोड़ कर दिए। तो तोड़ तोड़। तो मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो भाइयों और बहनों, जैसे कल एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको तैयार किया था, अपन सबसे पहले अपना कल का एक दिन खत्म हुआ। कल आप ऑलमोस्ट 12 घंटे लेक्चर में बैठे, 12 घंटे लेक्चर होने के बाद, मतलब ऐसे एक 12 आवर्स होने, 12 आवर्स हुए ना ऑलमोस्ट लेक्चर अपने। 12 आवर्स होने के बाद अपने को लगा कि भाई अपन ने क्या किया है, एंड घर पे जाने के बाद ऐसे एक थोड़ा सा ऐसे फील आया होगा, अच्छा कुछ ऐसा किया है। आज दूसरा दिन चालू हुआ है, अब दूसरा दिन बढ़ेगा, फिर तीसरा दिन होगा, फिर चौथा दिन होगा, पांचवा दिन होगा, फिर से जिंदगी चलती जाएगी। और जिंदगी और इम्तिहान लेती जाएगी। बट नेवरथलेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कल से, क्या रखने का? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंस रहिए, कंसिस्टेंट रहोगे सारी चीजें तोड़ रहेगी। तो भारत माता की जय मालिक, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। और एक चीज, कल मेरे को एक दो ऑनलाइन के ही मैसेज आए थे, मेरे ख्याल से अपने फेस टू फेस में तो अभी तक तो अपना ये नहीं है, पर ऑनलाइन वाले पंटर लोग अपने जो जो थे, सर सैटरडे इसका मतलब ऑफ रहता क्या? मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने क्या बोला, सैटरडे क्या है अपनी टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ ना, टेस्ट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यानी थर्ड सैटरडे अपना फर्स्ट टेस्ट होगा, ये तो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, अभी अभी बता दे रहा हूँ जो प्लान के इसमें। उसके बाद हर सैटरडे ही रहेगा। अब हर सैटरडे टेस्ट में, इट में हैपन टेस्ट सीरीज जैसा टेस्ट हो, या मेरे क्लास में मेरे रिविजन के सीट में टेस्ट हो, यानी सैटरडे को नए कॉन्सेप्ट से ज्यादा सैटरडे अपन सारा कॉन्सेप्ट को पूरा रिफ्रेश करना है। मेन पॉइंट है याद रखना, सैटरडे छुट्टी नहीं है, इंटरप्रिटेशन चेंज मत करो, सैटरडे छुट्टी नहीं। इसमें खाली मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड सैटरडे दो दिन, दो सैटरडे आपको रिलैक्स मोड में दूंगा मैं, जिससे वो एडेप्टेबिलिटी चालू हो, ताकि एक एक पॉइंट एक गैप आए। बाकी अदर देन दैट सैटरडे छुट्टी नहीं है मालिक। इज दैट पॉइंट क्लियर? सैटरडे अपना टेस्ट है, टेस्ट की जगह ऐसा हो सकता है कि मैं खुद साथ में बैठ के मैं खुद लूँ। याद है मैं कल बोला वही, ऐसा हो सकता है मैं साथ में बैठ के मैं खुद आपसे अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक हो सकता है कि टेस्ट सीरीज जैसा टेस्ट हो पूरा, और ऐसे है वो टेस्ट सीरीज वाले जैसे पूरा कैटेगरी है। बस अपना, अपने को कैपेबल बनना है, अपने को इतना कैपेबल बनना है। वापस बता रहा हूं, इतना कैपेबल बनना है कि अपने को 60 है, और ये मेरा पहला टारगेट है 60। वापस मैं बोल रहा हूं, जिसको 90 लाना है ला सकता है, लेकिन 90 लाने के मैंने क्या बोला, क्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। फिर खाली क्लास के स्ट्रक्चर में, आप जो मेरे को टाइम दे रहे हो 150 आवर में, आप बोल रहे हो सर 90 है, ऐसा नहीं होएगा। 150 आवर्स के बाद मैं आपको एश्योरेंस 60 का दे सकता हूँ, गारंटी आपको 60 की दे सकता हूँ। बस वो पर क्लास कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्लास में बैठ के वो सारा जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे रिवाइज होना चाहिए, ये गारंटी। तो अब सबसे पहला सिनारियो, जस्ट मेक इट श्योर टू अंडरस्टैंड, अपने सिलेबस में कितने लॉ है, टोटल कितने लॉ है, 5। कौन से लॉ आपने लिए है? कंपनी लॉ, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चौथा पॉइंट टीजीसीए, याद है द जनरल क्लॉज एक्ट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। मुझे वापस चाहिए 5 कौन से पॉइंट है अपने सिलेबस में, मुझे वापस 5 पॉइंट बताइए कौन से। अरे इधर बैठ, इधर बैठ रहा।
एसी बंद है, एसी चालू। तो सबसे पहला कौन सा है मालिक? कंपनीज, मैंने कंपनी एक्ट नहीं बोला, कंपनी लॉ। दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चौथा टीजीसीए। टीजीसी का फुल फॉर्म द जनरल क्लॉज एक्ट, द जनरल क्लॉज एक्ट। पांचवा पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। आपका सिलेबस इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ फाइव थिंग्स, जिसमें से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको पार्ट एंड पार्सल है, वो एक्ट नहीं है। एक्ट के अंदर के कुछ शब्द है जिसको इंटरप्रेट कैसे करना है उसके ऊपर बताया जाता है कि इंटरप्रिटेशन करते वक्त आप क्या लगाओगे, कैसे अप्लाई करोगे, कैसे उसको लॉजिक बैठेगा, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। लेकिन ये तीन के नाम क्या थे मालिक? ये तीन के नाम अगर आपको याद है, मैंने लिखे नहीं है इसमें, तीन के नाम क्या थे? पहला पॉइंट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट। दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक्ट। तीसरा द जनरल क्लॉज एक्ट। ये तीन मैंने एक्ट बोले, लेकिन पहला जब मैं बात कर रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं कंपनी लॉ। अपने इसमें कंपनीज एक्ट नहीं है खाली, एक्ट बोला तो छोटी चीज आ गई, लॉ बोला तो एक्ट से काफी कुछ ज्यादा होता है मालिक। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जैसे आगे बढ़ेंगे, ओके, एक ब्रेक लेंगे कंपनी लॉ से, ब्रेक मतलब कंपनी लॉ को एक चैप्टर करके फिर अपन एक छोटा अदर लॉ में जाएंगे, फिर वापस कंपनी लॉ पे आएंगे, फिर एक दो चैप्टर होंगे, फिर अदर लॉ करेंगे, और इस तरह से अपन फ्लो में आगे जाएंगे मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए, आपके सिलेबस में कंपनी एक्ट नहीं है, कंपनी लॉ है, ओके, और बाकी तीन एक्ट है। सर व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कहीं एक बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। आपने जितना लॉ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, और जो फाउंडेशन नहीं पढ़े उसमें लॉ कुछ आइडिया होगा बैकग्राउंड में, तो मैं आपको बताता हूं। जब भी लॉ की बात करते हैं तो आपने शायद ये शब्द ध्यान में आया होगा, दिस इज द वन वर्ड विच इज कमिंग अक्रॉस मेनी टाइम, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। ओके, सेक्शन सेक्शन सेक्शन। जब भी कोई एक्ट की बात करते हैं हमेशा उसके अंदर क्या होता है? सेक्शन। सेक्शन को और ब्रेक किया जाता है, और वो ब्रेक ब्रेक किसमें दिया जाता है? सब सेक्शन। ओके, यानी सेक्शन एक कॉन्सेप्ट कवर करेगा, सब सेक्शन उस कॉन्सेप्ट के और डिटेल्ड एनालिसिस कवर करेगा। ओके, तो पहला क्या होता है मालिक? सेक्शन। दूसरा क्या होता है? सब सेक्शन। सब सेक्शन और आगे जा सकता है क्योंकि पॉइंट्स तो पॉइंट्स बनते जाएंगे, तो सब सेक्शन के बाद हम लोग जो शब्द यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। सब क्लॉज नहीं बोलते, क्लॉज। तो आपका पहला पॉइंट आता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद और एक पॉइंट आता है सब क्लॉज। ओके, मैंने आपको कल क्या बताया कितने सेक्शन है अपने सिलेबस में कंपनीज लॉ के, कंपनी एक्ट के कितने सेक्शन है? 148, जिसमें से 100% आपको मैंने बताया कि 15 एक सेक्शन इधर उधर चले जाएंगे, कुछ एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ऐसे सेक्शन है जो काम के ही नहीं है। ओके, ऐसे कुछ चले जाएंगे इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे मालिक। अब जब ये सेक्शन की बात कर रहा हूं या सब सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अपन को ये ध्यान रखना है कभी भी सेक्शन को चार, मतलब जब भी सेक्शन डिसाइड करे या पढ़े, ओके, जब हम कभी भी कोई एक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ये चार चीजें ध्यान में रखेंगे। तो आपको मैंने बोला अपने सिलेबस में कितने सेक्शन है? 148 सेक्शन है। हर सेक्शन में क्या होगा? सब सेक्शन। और हर सब सेक्शन में क्या हो सकता है? क्लॉज। और हर क्लॉज में क्या हो सकता है? यानी खाली 148 आंसर नहीं पढ़ने, खाली अपना 148 आंसर भी नहीं, ये लॉजिक मत लगाओ। 148 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में हो सकता है एवरेज, मतलब चार सब सेक्शन, पांच सब सेक्शन, सात सब सेक्शन, किसी में हो सकता है एक ही सबसेक्शन, किसी में हो सकता है सबसेक्शन हो ही ना, पर जिसमें सबसेक्शन हो ही ना ऐसे पोजीशन बहुत कम है हाँ मालिक। लेकिन सबसेक्शन, सबसेक्शन का पार्ट, उसके बाद आता है क्लॉज और सब क्लॉज। लेकिन कहानी इधर भी नहीं रुकती, यानी अभी तू इमेजिन कर 148 मल्टीप्लाई बाय, अगर हर इसमें चार चार सेक्शन देखे, हर सेक्शन में भी अगर सबसेक्शन सबसेक्शन आए, चार चार सबसेक्शन आए, और सबसेक्शन में क्लॉज भी तो रहेंगे ना, और क्लॉज के सब क्लॉज, भाई भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और दूसरी चीज, आपको कल और एक चीज मैंने बताई थी, इसमें अपने सिलेबस कैसे है, इंटरलॉ का सिलेबस कैसे है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्रीन पे दिख रहा है कौन से दो पार्ट है, एक है एमसीक्यू और एक है
थियरी। अब प्रॉब्लम किधर है, थियरी तो अपन क्लास के बाद रिवाइज कर करके हो ही जाएगा, पर एमसीक्यू कैसे होएगा? मैं क्लियर कट वार्निंग ये कल क्लियर समझा दूंगा, ये खाली क्लास में होगा, यानी ये जब अपन पढ़ेंगे ना, अरे एमसीक्यू ये नीचे वाले पे आ सकता है। ओके, यानी आपको खाली सेक्शन आता है सर, सेक्शन का रड़ या सेक्शन रड़, अरे भाई उसका सबसेक्शन का एक सब क्लॉज है ना, उसमें एमसीक्यू है, तो फिर क्या करना। इसीलिए क्लास में मतलब ये कब करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता। लेकिन कहानी इधर भी खत्म नहीं होती, शायद आपने पढ़ा होगा। ओके, इसके साथ क्या होते हैं कंडीशंस, कोई भी सेक्शन के साथ कुछ कंडीशंस आ सकती है। अब कंडीशन कैसी होती है, जैसे अपन सेक्शन में जाएंगे देखेंगे, वहां क्यों टेंशन ले रहे हो, आज के इसमें एक कवर हुई होना ही अपने को। कंडीशंस होती है मालिक, कंडीशंस क्या होती है मालिक, कंडीशंस। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट कंडीशंस 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 कंडीशंस, आराम से ध्यान दीजिए, कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन को हमेशा शब्द क्या यूज किया जाता है, प्रोवाइजो। क्या बोला जाता है, प्रोवाइजो। ओके, जिसमें वो प्रोवाइजो सेक्शन के साथ भी हो सकता है, वो प्रोवाइजो सबसेक्शन के साथ भी हो सकता है, वो प्रोवाइजो क्लॉज के साथ भी हो सकता है, वो प्रोवाइजो सब क्लॉज के साथ भी हो सकता है, प्रोवाइजो किसी के साथ भी हो सकता है। प्रोवाइजो मतलब प्रोवाइडेड दैट कंडीशन, सेक्शन लिखा है कि ऐसा 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 होना चाहिए, कंडीशन ये है कि वो कब होगा, तो उसको कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, प्रोवाइजो। तो हमेशा आपको मिलता है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन कहानी प्रोवाइजो तक भी नहीं रुकती, प्रोवाइजो एक प्रोवाइजो पे काम नहीं होता है, प्रोवाइजो भी मल्टीपल प्रोवाइजो हो सकते हैं। यानी एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन की कंडीशन आई, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। क्या बोलते हैं मालिक, प्रोवाइडेड फर, यानी एक प्रोवाइजो तो है ही, यानी एक कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन के साथ भी और कंडीशन, जब वो और कंडीशन ऐड, और मतलब हिंदी का और इंग्लिश का ओ आर और नहीं, यानी एक कंडीशन आई है, एक कंडीशन के साथ और एक कंडीशंस, एंड वाले कंडीशंस कंडीशंस कंडीशंस। अब इमेजिन करो प्रोवाइड, यानी कैसा होगा सीन, सुन आत्मा, आत्मा मतलब तेरी आत्मा, समझा ना, मैं तेरी आत्मा को ही बुला रहा हूं, सीन सुन आत्मा, ऐसा हो सकता है एक कंडीशन दी गई है, प्रोवाइजो दिया है, तो उसमें लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट दिस 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 दिस, आगे क्या लिखा होगा मन में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस दिस दिस, आगे लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर टू अबव प्रोवाइजो, और उस पे एमसीक्यू, मतलब अपनी सेक्शन की तो मार रही है, अपना सबसेक्शन भी मार रहा है, अपना क्लॉज तो पूछने गई नहीं, और अपना और कौन मार रहा, प्रोवाइजो नहीं मार रहा, प्रोवाइजर का जो प्रोवाइजर है ना वो मार रहा है। और मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर बता रहा हूं, आफ्टर 70-75 लेक्चर जो भी है, 70-75 लेक्चर के बीच का पॉइंट, आई बेट ओके, आप घर पे ये चीज कर ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी। यानी घर पे कौन सा एमसीक्यू का, या आपका इंटरप्रिटेशन, या ये प्रोवाइजो का ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन है, तो आपका क्लास का पॉइंट, यानी जब अपन ये काम करेंगे, कार्यक्रम चालू करते हैं क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, दो कारण से। पहला कारण एमसीक्यू, डायरेक्ट कारण है, तेरा डायरेक्ट बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट है तेरे को डायरेक्ट, अरे भाई एमसीक्यू पे ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अगर तेरे को 60 लाना है तो पहला टारगेट अपना ये है कि 30 में से अप टू मार्क्स लाना है। ओके सर, टारगेट ये 30 में से अप टू, मतलब 30 में 30 नहीं, अपन तो हर जगह यार भगवान को तो देने देते मार्क्स, अरे भगवान को देने होते कि नहीं। अब मेरे को बताओ, पेपर सेटर ने अगर 30 मार्क के एमसीक्यू बनाए, अगर जब तक उसको 5 मार्क्स अपन ने उसको नहीं दिए, उसको अच्छा लगेगा क्या, उसको भी फील आना चाहिए उसने पेपर भारी सेट किया है कि नहीं। मेरे को बताओ, अपने को कब भारी फील आता है, जब अपने कुछ भारी कांड किया होगा, एग्जामिनर जो आपकी एग्जाम ले रहा है, आप जब तक उसको 5 मार्क नहीं दोगे, फिर वो बोलेगा मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं अपन 5 मार्क 7 मार्क एज्यूम कर रहा हूं मैं, जाएगा उसमें से, किसमें से, एमसीक्यू, डायरेक्ट एजम्पशन है मेरा, सर आता रहा तो भी दे देने का, आता रहा तो भी दे देने का, दे देने का मतलब आता रहा तो लिखने का भी है, मतलब दे देने का कहानी, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा एज्यूम है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई यार तुम 30 में से 20 से 25 के बीच में कहीं पर स्कोर करते हो, तो जो 70 मार्क का पेपर है, इसको जो अपन तोड़ करेंगे, जिसके लिए टेस्ट सीरीज करेगा तू, जिसके लिए तू लिखेगा, जिसके लिए तेरे को क्लास वर्क दिया है, जिसके लिए तेरे को होमवर्क दिया हुआ है, ओके, वो बुक दी है लास्ट, वो दो बुक का एडिशनल जो बुक खर्चा किया अपन ने, वो है ना, वो सिर्फ इसके लिए, ये 70 मार्क के लिए। तो 70 में से
अपने को स्कोर रहेगा। तो अपना टारगेट क्या है, एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, टारगेट है 70 में से 50%। मैं वापस बोल रहा हूँ, कौन से बंदे की बात कर रहा हूँ, मास। मास मतलब समझ रहा है ना सबको कि भूल गए, ये तुमको मालूम है ना, मास मास किसका, मास का टारगेट क्या रहे, 60। 60 का टारगेट मतलब टोटल कितना चाहिए, 200 या 400 ये चाहिए, पर पेपर 40 चाहिए, 40 तो वैसे ही आता है, पर 40 से 200 नहीं आएगा ना, 200 लाने के लिए एक पेपर 60, जिसमें से ये कार्यक्रम ऐसा रहेगा। तो अगर ये सही से कार्यक्रम करता है तो ये तेरे लिए पॉइंट बनता है मालिक। ओके तो मेरे को बता अभी तक क्या क्या बताया मैंने। ओके सबसे पहला क्या सीनारी बताया मेरे को बता। ओके क्या सीनारी बताया, सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है सेक्शन, सेक्शन के बाद क्या होता है बेटा, सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद क्लॉज, के बाद सब क्लॉज, आत्मा क्लियर है, और सब क्लॉज के बाद प्रोवाइजो। ओके सारी आत्मा इधर, ये जब कंबाइन करते हम, ये जब कंबाइन करते हम, ये बनता है अपना एक्ट। जब भी मैं कोई भी एक्ट की बात करूंगा, मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट है, मैं बोलूंगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मैं बोल रहा हूं द जनरल क्लॉज एक्ट है। ओके मैं बोल रहा हूं भाई ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इसका मतलब उनमें क्या सिलेबस होगा अपना, सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे, क्लॉज होंगे, सब क्लॉज होंगे, प्रोविजोस होंगे, यानी कंडीशंस। ओके अब जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं, ओके ये एक्ट किसने बनाया है, क्वेश्चन ये है, एक्ट अपन लोग नहीं बनाया सर, अपन लोग नहीं, आप और मैंने ही कंपनीज एक्ट बनाया हुआ है सर। कैसे, देखो हम लोग रोज के रोज तो बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, तो हमने अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लिए, अपने एरिया का भाई ये बंदा है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसी तरह वो एरिया के बंदे अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में दोनों हाउस रहते हैं और पार्लियामेंट में ये इसको ओके किया जाता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। एक्ट बना दिया, एक्ट बन गया, इमेजिन कर एक्ट बन गया, एग्जाम्पल एक कस्टम ड्यूटी का एक्ट, कस्टम ड्यूटी का एक्ट, कस्टम ड्यूटी मालूम है, कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, ओके रादर देन एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट, जब इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उसकी वजह से क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, इंडिया में इंपोर्ट करना बढ़ाने का या कम करने का, आपसे बात कर रहा हूं मैं, कम करने का या बढ़ाने का, एवरीबॉडी इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी बढ़ाया मतलब इंपोर्ट कम चाहता हूं ना मैं, और दूसरा ये कस्टम ड्यूटी कम कर दी इंपोर्ट ज्यादा करना है, यही पॉइंट है। ओके मेरे ख्याल से आपको मानूंगा इंडिया शुगर बेस्ड कंट्री है, शुगर बेस्ड मतलब यहां पर शुगर केन की फैक्ट्रीज बहुत है, यानी इंडिया इज ए गुड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, शुगर केन तो है ही, शुगर उसके बाद शुगर है, अपने इधर इतनी सारी फैक्ट्रीज है आपने देखी होगी। ओके अपने इसमें अगर देखोगे तो अपने गांव में जो फैक्ट्रीज होती है वो शुगर केन की फैक्ट्रीज है ही भाई। तो मेरे को बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या होगा, कस्टम ड्यूटी ऑन शुगर क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या कर रही है, कस्टम ड्यूटी बोल रहा हूं मैं, कस्टम ड्यूटी बोल रहा हूं, बाहर भेजने की ड्यूटी नहीं, मंगाने की ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां पर ही आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि अपने पास गुड बेस है और इधर ही मैन्युफैक्चर करके इधर ही बेचिए, यानी शुगर अपन मंगाते हैं या कम करते हैं, मतलब मंगाते हैं या बनाते हैं, एवरीबडी एग्री, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी ओके मोदी जी ने डिसाइड किए, मैंने से मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, मेरे को क्या करेक्ट समझाना है। अब सर कस्टम ड्यूटी जो मोदी जी ने डिसाइड की है, प्रैक्टिकली ध्यान में रखना, ओके मोदी जी ने डिसाइड किया है, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया है, अब सीन ऐसा हो गया, इमेजिन करो ओके ऐसा कुछ अपने कंट्री में कुछ तो इशू आया, ओके अकाल आ गया, बरसात नहीं हुई, या कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसमें शुगर केन का मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हुआ, या शुगर केन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ भी, ओके हुआ भी, लेकिन सब एग्जांपल फ्लड आ गया, तो शुगर फैक्ट्री जिधर थी, जिधर फ्लड आया है उधर सारी शुगर बह के चली गई। ओके अपनी नीड तो है ही ना शुगर की, जब इतना मैन्युफैक्चरिंग किया तो अपनी नीड है कि नहीं शुगर की, नीड तो है। ओके अब मेरे को बताओ रातों रात पूरा पूरा एज्यूम करते पूरा शुगर ही खत्म हो गया, एज्यूम करते पूरा शुगर ही खत्म हो गया, मेरा क्वेश्चन है रातों रात अपने को अब एक दिन में या दो दिन में क्या शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, इतनी सारी अक्रॉस कंट्री की शुगर की नीट मीट करनी पड़ेगी रे, अगर शुगर की नीट मीट नहीं हुई
डोंट यू थिंक हाहाकार मच जाएगा? जैसा आपने अभी सुना होगा श्रीलंका में ये नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, पाकिस्तान में अभी ये महंगा मिल रहा है, सुना है कि नहीं ऐसा न्यूज कि नहीं न्यूज? इसका कारण क्या है? यही तो सिनेरियो है, रिसोर्स नहीं मिल रहे। तो मेरे को बताओ अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी इसके लिए? अभी क्या बोलेगी शुगर को क्या करने का? एक्सपोर्ट करने का, बना ही नहीं है तो क्या इंपोर्ट करने का? लेकिन जो इंपोर्ट करेगा उसके लिए तो शुगर महंगा है, तो क्या होएगा? कस्टम ड्यूटी, एवरीबॉडी समझ में आया? अब मेरे बताओ कि कस्टम ड्यूटी कम करने के लिए कभी हो रहा है? एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जब पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं है, पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट हाउसेस सेशन होती है, मालूम है ना? मतलब पार्लियामेंट मिलने का टाइम होता है, ओके, पार्लियामेंट मिलने का टाइम होता है, ओके, इनके हाउसेज होते हैं, इनके सेशन होते हैं, ओके, जैसे सीजन होते ना वैसे ही। अभी एग्जाम्पल एक 15 दिन का सेशन अभी खत्म, अभी जो बजटरी के लिए पार्लियामेंट मिले ना, अभी बजट आया मालूम है ना, तो उसमें पार्लियामेंट मिले, अभी ये बुद्ध हाउसेज पार्लियामेंट और 5-7 दिन है, 10 दिन है, उसके बाद वापस गया, फिर 2 महीने तक नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है अभी बीच में एज्यूम करो जब पार्लियामेंट मिल नहीं रही है तो उस दिन ये हुआ, आपको लगता है मोदी जी वेट करेंगे? अरे नहीं नहीं पार्लियामेंट को मिलना, अप्रूवल लेना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी को कम करना है, नहीं फिर को मोदी जी खुद करेंगे ना? तो इसका मतलब क्या मोदी जी को पावर मिलना चाहिए? एक्ट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब मैं मोदी जी बोल रहा हूं क्योंकि अभी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एक्ट में पावर दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, इसके लिए वो रूल्स बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, उसमें रूल्स बना सकती है, यानी जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है मालिक, ये बॉक्स एक्ट है, इसके अंदर क्या नहीं होता, ये एक्ट है, ये जो स्क्रीन पे मैंने जो भी लिखा हुआ है अभी, ये अप्रूव कौन करता है? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी अगर एक्ट में अमेंडमेंट करना है, ओके, आज मोदी जी को लगा एक एक्ट में अमेंडमेंट करना है, क्या मोदी जी कर पाएंगे? नहीं, इनको पार्लियामेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसमें ये लेट डाउन करेंगे दोनों हाउसेस का, ओके, मालूम ना ऐसा सुना ऐसा, ये जब दोनों ओके करेंगे तब जाके वो एक्ट अमेंड होता है, तब तक एक्ट अमेंड नहीं होता मालिक। एक्ट को अमेंड करना खाने का काम नहीं है, एक्ट को अमेंड करना खाने का काम नहीं है। फिर मोदी जी इस केस में क्या करेंगे? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बाई चांस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, कोई मोदी जी जैसे मेरे, मैं मोदी जी बोल रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, अपन फैन वैन अपने इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि अपन पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, पॉलिसी के ऊपर कर रहा हूं मैं, समझ में? तो कोई इधर मत बोलना सर राहुल गांधी, सर मोदी जी, सर आम आदमी पार्टी, तेरे को जो लेना है ले, अभी पावर किसके पास? खत्म, मेरा डिस्कशन वो चल रहा। कस्टम ड्यूटी, अरे यार इमेजिन करो, अरे ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी नई एक्ट में अमेंड करना है, पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ चीजें जो रेगुलरली काम आती है हमें, लॉ में, कंपनी लॉ में ऐसी कुछ चीजें जो रेगुलरली काम आती है, एप्लीकेबिलिटी बोलो या नॉन एप्लीकेबिलिटी, कुछ चीजें को बोलो, अरे ऐसा किस्सा ऐसा करना है, ये कौन करेगा? ये करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कौन दे रहा है? एक्ट ही दे रहा है। यानी जब बोथ हाउसेस पार्लियामेंट मिले थे ना, ये एक हाउस पार्लियामेंट का, मतलब दोनों हाउसेस, मतलब समझ में आ रहा ना, मोदी और अदर्स मतलब जो अपोजिशन और पावरली पार्टी, ये दोनों जब मिलेंगे, दोनों ने बोला ओके, आप इस चीज के लिए आप डिसीजन ले लेना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ओके। उसको एक्ट नहीं बोलते, उसको सेक्शन नहीं बोलते, उसको सबसेक्शन नहीं बोलते, उसको रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल्स। तो यानी आपको एक्ट के अलावा और एक चीज क्या पढ़नी पड़ेगी? रूल्स। अब जब मैं सुनिए, अगर मैं बोल रहा हूं अपने सिलेबस में एक्ट है, समझ में कुछ आ रहा है? अपने सिलेबस में क्या है? एक्ट है। तो आपके सिलेबस में खाली वो ऊपर का बॉक्स है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ अपडेट्स करती होगी बीच में, ओके, वापस बोल रहा हूं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एक्ट में अपडेट करना है तो एक्ट में अपडेट करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये मालिक, ओके, ये तो लॉजिक है, ये समझा? ओके, अब एक्ट में कुछ ऐसा लिखा होगा, ओके, ऐसी चीजें कुछ होगी, एक्ट में ऐसा लिखा होगा, ऐसी कुछ चीजें होगी, इट विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या शब्द मैंने बोला? एज प्रिस्क्राइब। शब्द क्या यूज किया मैंने? एज प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड, समझ में? ये किसमें लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब्ड? किसमें लिखा है? मैंने किसमें लिखा है? एक्ट में लिखा है। तो यानी बोथ हाउसेस पार्लियामेंट ने बोला एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी जब भी कोई सेक्शन में लिखा होगा, सेक्शन में ऐसे लिखा एज प्रिस्क्राइब्ड, किसमें क्या लिखा होगा? सेक्शन में क्या लिखा होगा? इसका मतलब एक्ट में दोनों हाउसेस, अपोजिशन पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जो पार्टी पोजिशन में है,
इन्होंने डिसाइड किया है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आप बताओ वो फाइनल होगा। तो जो चीज एज प्रिस्क्राइब होती है वो चीज किधर जाती है? रूल्स। तो रूल्स किसके लिए बनते हैं? एज प्रिस्क्राइब्ड के लिए। रूल्स किसके लिए बनते हैं? पर एज प्रिस्क्राइब्ड किसमें लिखा होगा? तो पावर, रूल्स बनाने के पावर किसने दिए? एक्ट ने दिए। और एक्ट ने ये पावर किसको दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल पावर में है। तो भारत माता की जय, समझ में आएगा मालिक? लॉजिक समझा? तो जब मैं बोल रहा हूं अपने सिलेबस में एक्ट ही है, क्या बोला मैंने? मेरे सिलेबस में तो एज प्रिस्क्राइब लिखा भी होगा ना, तो जो प्रिस्क्राइब है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्ट में एज प्रिस्क्राइब लिखा होगा। एज प्रिस्क्राइब सर क्या? एज प्रिस्क्राइब का एग्जाम्पल बताइए। अच्छा ओके, एक एग्जाम्पल देता हूं। ओके, आपकी कंपनी ने ये डायरेक्टर रखना चाहिए। आपकी कंपनी एक एक्स वाई जेड डायरेक्टर रखना चाहिए। समझ में आया? क्या बोला? आपकी कंपनी ने एक्स वाई जेड डायरेक्टर रखना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं रे मैं, 5-4 एग्जाम्पल जिससे समझ में आया। ये किसमें लिखा है? एक्ट में। एक सेक्शन लिखा है, दिस कंपनी शुड हैव एक्स वाई जेड डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन है, कंपनी के पास वो डायरेक्टर एक्स वाई जेड डायरेक्टर होना चाहिए ना, पर वो एक्स वाई जेड डायरेक्टर कैसा होना चाहिए ये कौन बताएगा? एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब कौन? एक्ट नहीं बताएगा, रूल्स बताएगा। यानी कंपनी को एक्स वाई जेड डायरेक्टर रखना चाहिए, कंपनी को एक्स वाई जेड डायरेक्टर रखना चाहिए, ये किसने बोला? नहीं, रूल ने बोला कि एक्ट ने बोला एक्स वाई जेड डायरेक्टर रखना चाहिए, एक्ट ने बोला, लेकिन वो एक्स वाई जेड डायरेक्टर कैसा होना चाहिए रूल्स में है। समझ में आया? नहीं, हाँ ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये देखिए, इसके ये बेयर एक्ट जो आपको मिल रही है, ये बेयर एक्ट बोला मैंने, याद है कल? बेयर एक्ट है। तो क्या है ये एक्ट है, यानी इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? सेक्शन मिलेंगे, सब सेक्शन मिलेंगे, क्लॉज मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? रूल्स नहीं है। पर इसके अंदर एक शब्द मिलेगा जिसकी वजह से अपन रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, एज प्रिस्क्राइब्ड। क्योंकि जब तक एज प्रिस्क्राइब्ड शब्द ही नहीं होगा तब तक आप किधर नहीं जाओगे? रूल्स पे नहीं जाओगे। आराम से जाते हैं, आराम से जाते हैं। भारत माता की जय, समझ में आ रहा है मालिक? ओके, सबसे पहले वापस बताओ ये क्या है, क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट लिखा है ना, तो कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर मैं खोलूं तो मुझे क्या मिलेगा? सेक्शन एक्ट मिलेगा। वाह वाह वाह, एक्ट मिलेगा, बढ़िया। खोला तो एक्ट मिलेगा, एक्ट के अंदर क्या मिलेगा? सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या मिलेंगे? सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर क्लॉज। सब क्लॉज के अंदर सब क्लॉज। सब क्लॉज के अंदर प्रोवाइजो। प्रोवाइजो खाली एक प्रोवाइजो रहेगा या मल्टीपल प्रोवाइजो हो सकते हैं? मल्टीपल मल्टीपल प्रोवाइजो हो सकते हैं। आत्मा क्लियर? ओके, लेकिन ये प्रोवाइजो सेक्शन किधर ना किधर कुछ ऐसा है ना, एज प्रिस्क्राइब्ड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एज प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड। एक दो मिनट में बताता हूं मैं किधर से, पर मैं आपको अभी पहले स्टार्ट तो करें अपन ऐसा एज प्रिस्क्राइब्ड। मैं मालिक समझा? तो अब ये एज प्रिस्क्राइब्ड इधर लिखा है, एज प्रिस्क्राइब्ड। एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब किधर जाना पड़ेगा मेरे को? रूल्स में। यानी वो एज प्रिस्क्राइब किसने बताया? एक्ट ने नहीं बताया, एक्ट में लिखा है एज प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड क्या है? रूल्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है, आपके सिलेबस में मैंने बोला नहीं कंपनी एक्ट है, आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है, तो आपके कंपनी लॉ में क्या क्या सिलेबस है बताइए। ओके, एक्ट पूरा, एक्ट बोला मतलब सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्लॉज है, सब क्लॉज है, प्रोवाइजो है, और साथ में रूल्स भी है, क्योंकि अपने क्या बोला, अपना सिलेबस क्या है? लॉ, कंपनी लॉ, इट इज नॉट एक्ट। ले, इसका मतलब अपने को सिलेबस में रूल भी पढ़ना पड़ेगा, यानी इसके अलावा भी चीजें होगी। आत्मा समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी चीजें होगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर सर आपने ऐसा एक्ट दिया, आपने पूरा कंपनी लॉ क्यों नहीं दे दिया? ओके, जिंदगी झंड हो जाएगी तेरी अगर पूरा कंपनी लॉ इतना इतना बड़ा देखेगा तो। और सर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अपने सिलेबस में सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। रूल 1, 2, 3, 4 सेक्शन कहां से एप्लीकेबल है? सेक्शन 1 से लेकर 140, क्लियर है ना? रूल्स हर एक जगह मल्टीपल रूल्स होंगे। रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक पर्टिकुलर चैप्टर में, रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरे चैप्टर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 25 ऐसे हर चैप्टर में। अगर ये 148 सेक्शन तक देखे अपने पास अप्रोक्सीमेटली रूल की बात करें, रूल की लग जाएगी तेरे रूल 300 प्लस है, लेकिन अपने सिलेबस में पूरे रूल्स नहीं है। तो सर इसीलिए रूल्स जब रिफर करने हैं तो अपने को इसमें ही जाना पड़ेगा, रूल्स इसमें ही रहेगा, क्योंकि रूल्स की अगर मैं ऐसे बैरक दे दूं प्रॉब्लम क्या होगा? अपन सब रूल पढ़ लेंगे जो कि रिलेवेंट है।
है ही नहीं रिलेवेंट। अरे मैं बता रहा हूँ, चैप्टर वन में हार्डली आपके दो रूल है, चैप्टर टू में दो रूल है, और जबकि अगर आप उसको रूल्स मेन रूल बुक पढ़ोगे उसके अंदर टोटल 27 रूल है। तब पूरी रूल बुक करके भी क्या कर लोगे आप? एक्ट भले आप पूरा पढ़ लोगे तो भी पूरा काम तो है ही अपने को, लेकिन रूल नहीं है। इसलिए रूल किधर पढ़ना पड़ेंगे अपने को, इसलिए ओके। वैसे तो मैं पूरा लिखाने के इसमें तो रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन तुम समझ में आ रहे हैं मालिक? तो अपने सिलेबस में कंपनी क्या है, कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ? तो अपने लॉ में आया मतलब क्या क्या पढ़ोगे आप? एक्ट मतलब जो ब्लैक में ऊपर लिखा है, रेड में जो लिखा है सब सेक्शन, और ये पिंक में जो जिधर जा रहा है रूल्स, यानी आपको क्या क्या रटना है। देखो दो चीजें, कॉन्सेप्ट समझा एक पॉइंट, लेकिन कॉन्सेप्ट होने के बाद एग्जाम में तो वोमिट ही करना है ना। ओके एग्जाम में जब तुम्हारा ओके भाई 4 नवंबर को पेपर होगा, एज्यूम करते 4 नवंबर को अपना पेपर आ रहा है, मेरे हाथ में पेपर आएगा 4 नवंबर को लॉ का पेपर, लॉ का पेपर में क्या करना है, वोमिट ही करना है ना जाके, यही याद करना, लिखा हुआ रटा हुआ तो लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिए होगा, लेकिन उसके बाद लिखने के लिए ओपन बुक एग्जाम नहीं अभी तक अपनी। तो अपने को सब याद रखना पड़ेगा। ओके याद रखना, सीए फाइनल में मालूम है ना ओपन बुक एग्जाम्स है, सीए फाइनल में आपको बुक्स मॉड्यूल लेके जानी रहती है दो पेपर में। ओके दो पेपर है, आप पूरी बुक लेके जाओगे, बकायदा ये है, आप इमेजिन करो 3 घंटे 3.5-4 घंटे का पेपर है, और बुक लेके जाओगे और बुक देख के लिखना है, फिर भी फेल हो गए, क्योंकि उधर जब बुक लेके जाने की बारी आई ना तो बुक का प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन के प्रॉब्लम से रहते हैं। इस केस में कौन सा सेक्शन कैसे लगेगा, एंड ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मालिक। तो भारत माता की जय, जय करे मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में क्या है, अपने सिलेबस में सेक्शन जो 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क का पेपर है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये सारा सारा रूल्स। आत्मा क्लियर? ओके जो 40 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर क्या नाम दिए थे, मेरे को नाम बताओ, दूसरे जो अदर लॉ है, अदर लॉ में क्या क्या पढ़ा आपने, नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द जनरल क्लॉज एक्ट, तीनों में एक्ट है। तो तीनों में कहीं पर भी अपन क्या नहीं पढ़ने वाले, रूल्स, इसलिए तो वो छोटा हो रहा है। तीनों में कहीं पर भी अपने पास सिलेबस में क्या नहीं है, रूल्स नहीं है। भारत माता की जय, जय करे मालिक एवरीबॉडी। तो पहला सेट समझ में आया, तो ओके सबसे पहला ये एक्ट कौन डिस्कस करता है, पार्लियामेंट। रूल्स कौन डिसाइड करता है, मोदी जी, ये दिमाग में रखा। लेकिन मोदी जी डिसाइड कर सकता है ये किधर लिखा है, एक्ट में लिखा है। मोदी जी को पावर मिलना चाहिए, मोदी जी को पावर कौन देगा, अपोजिशन ने तो कल तो लड़ ही लेंगे, राहुल गांधी और ये आलू निकाला सोना, ये अपना पॉइंट, ये जो भी है। अरे अगेन आई एम नॉट, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं उस पंचायती में नहीं, मैं पॉलिसी वाला आदमी हूँ, एकदम क्लियर पॉलिसी वाला आदमी। तो भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? अरे आया ना, अगर समझ में आया तो मेरे को थोड़ी सी एक दो चीजें मेरे को वापस क्लियर कर दीजिए, टेक योर टाइम, पहले ना ये मॉडल को एडजस्ट करिए, फिर क्या है मैं एक बार कंटेंट चालू करूँ ना, अपने को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं किधर लिखा होगा एस प्रिस्क्राइब्ड, तो मैं तुमसे पूछूंगा मतलब क्या है, फिर क्या रिफर करना पड़ेगा। अगर ये बुक पढ़ेंगे अपन, ये बुक है, मैं वो स्क्रीन पे बताऊंगा ये किधर, ये वाला ये हार्ड कॉपी है क्योंकि अपन यूज कर रहे हैं, पर ये रहा तो ये अगर इधर लिखा एस प्रिस्क्राइब्ड, ये तो अपने पास अभी एस प्रिस्क्राइब्ड में ये बुक में तो रहेगा ही नहीं, फिर किस में जाना पड़ेगा, कमरे। पर ये जो बुक में अपनी मेन बुक में जाएंगे उसमें भी अगर वो दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, एस प्रिस्क्राइब 10 जगह दिया होगा, समझ में आया मालिक, एस प्रिस्क्राइब कितनी जगह होगा, लेकिन 10 जगह में से सारे 10 जगह 10 के जगह अपने को एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से हार्डली 2 जगह या 3 जगह, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, कौन से चैप्टर में कैसे जा रहे हैं। भारत माता की जय, क्लियर मालिक? ठीक है सर, रूल्स के अलावा और क्या क्या होता है? ओके तो दो चीज तो आपको समझ में आ गई, एक हो गया एक्ट, एक हो गया रूल्स। ओके क्या एक्ट में अमेंडमेंट होता है, क्या एक्ट में अमेंडमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं मेरे को मालूम है, उसको क्या बोलते हैं, They are called, okay, आप एक्ट बोलो या रूल्स बोलो, किसी में भी अमेंडमेंट आ सकता है। सर कैसे आ सकता है, एग्जाम्पल रूल में अमेंड कौन करेगा, अच्छा रूल पहली बार बनाएगा कौन, मोदी जी, यही दिमाग में रखिए। ओके रूल पहली बार बनाएगा कौन, ये तो क्लियर है, एक्ट कौन बनाएगा, एक्ट बनाने वाला एक लॉ मेकर है, लॉ मेकर ने वो एक्ट किधर प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट ने उसको क्या किया, अप्रूव, फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, असेंट मतलब उन्होंने साइन किया, बोले हाँ भाई तगड़ा, फिर दुनिया में हेला बाटो, समझ में आया। ये बाटो कैसे होता है, ये डाला जाता है ऑफिशियल गैजेट पे, ठीक है उसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे, तो बस आपको ये समझना है प्रोसेस क्या हुआ, ये बनाया किसने, लॉ मेकर, तू और मैं,
अपन ने ये बैठ बैठ के लिखा, फिर अपन गए किसके पास लेकर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास नहीं, पार्लियामेंट, फिर दोनों दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज मतलब ओके पावर वाला अपोजिशन, ये दोनों मिलके सामने प्रेजेंट किया और सबने क्या बोला, ओके वी एग्री, भारत माता की जय, समझ में आया मालिक। अब ये एग्री होने के बाद किसके पास गया, सीधा तुम लोग के पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, साइन किया और बोला ये कब से एप्लीकेबल होगा। ओके और प्रेसिडेंट ने बोला अगर बाई चांस एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ओके 27 अगस्त से एप्लीकेबल है, 27 अगस्त से एप्लीकेबल, तो 27 अगस्त को ये किधर आ जाएगा, ऑफिशियल गैजेट। अब ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, क्या होता है इसके ऊपर मैंने बोला ना, ये अपन बाद में देखें, लेकिन लॉजिक बैठा ना, पक्का, ठीक है। अगर पक्का बैठा तो अभी इसके अंदर एस प्रिस्क्राइब लिखा है, वो क्या है, वो कौन लाने वाला, वो कौन लाने वाला, मोदी जी। अब मोदी जी आए तो अभी मेरे को बताओ क्या पार्लियामेंट में जाएगा, नहीं, फिर वो किधर रहेगा, हाँ ऑफिशियल गैजेट में। तो आज बैठना नहीं चाहता लेक्चर रे, अरे बर्थडे है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या वेस्ट कर रहे है यार, ए, मेरे लिए अच्छा, ओ मेरे लेक्चर के लिए, माँ कसम, जिंदगी में अपने बर्थडे होते हैं। अभी कौन से दिन है यार, बचपन से देखो ना क्या क्या दिन समझाए थे अपने को, मेरे को बताओ तुम अभी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तुम 18-19 साल के रेंज में होंगे, 18 साल 19 साल के, हाँ ना, के डाउट है तुमको, कोई 14-15 साल का नहीं ना, ठीक है, नहीं वो एक्सेप्शनल हो सकता है भाई, हो सकता है 19-20 साल में, 19 साल में भी सीए बन सकते भाई, लेकिन तो 18 साल के एवरेज में, 18 साल से बचपन से क्या सिखाया गया है, सबसे पहले तेरे बेस्ट दिन कौन से लाइफ के, पहला पॉइंट है तू बचपन स्कूल में था तो तेरे को संडे बताया जाता था, क्या बोला जाता था, संडे बेस्ट है, संडे छुट्टी है, संडे संडे को जिंदगी जी, जिया भी तू, जीना सीखा भी, लेकिन जैसे ही जीना सीखा तू बड़ा आगे, फिर आगे बढ़ा, फिर उसके साथ में तेरे को ये भी सिखाया गया पूरे साल का एक दिन बेस्ट दिन है तेरे लिए, तेरा बर्थडे जिस दिन तू पैदा हुआ। कोई कोई बोलेंगे ये दिन सेलिब्रेट करके क्या होने वाला है, एक उम्र तो बढ़ी रही है, तो क्या हम टिंगने होना चाहते, मतलब कम होना चाहते, मतलब अपन तो बढ़ना ही चाहते हैं भाई, व्हाट इज इसका सेलिब्रेशन के, एक साल और आगे बढ़ गए भाई, हर जन का अपना अपना परसेप्शन है। एंड मेरी एक फिलोसॉफी, एकदम थोड़ी फिलोसॉफी है, इसलिए मेरे डिबेट्स नहीं होंगे, ना आपके साथ होंगे ना कुछ होंगे। अगर किसी ने बोला सर मेरे हिसाब से लॉ में ये चेंज करना चाहिए, मैं बोलूंगा सही है तू, बस अगले पार्लियामेंट में तेरे को ही भेजना चाहता हूं मैं, समझा, क्योंकि अपनी पॉलिसी क्या है, एवरी पर्सन इज करेक्ट, हर जन के अपने परसेप्शन है। तू अगर बोल रहे भाई मेरे हिसाब से ऐसा है, ठीक है सही है, मैं किधर नहीं बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस ये बोल रहे, तो एवरी पर्सन इज करेक्ट, इसके ऊपर किससे बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन लॉजिक ये है कि बर्थडे है सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी तुम देखो लास्ट एक साल से तुम फाउंडेशन में आए, तुम्हारा क्या हो रहा है, अभी तुम इंटर में देखो कैसे करोगे, तुम खुद रिएक्ट करोगे, तुम खुद करोगे ऐसे, तुम खुद उस पे ऐसे बनोगे, फिर तुम्हारा बर्थडे आएगा, इमेजिन करना तेरा बर्थडे ओके 6 नवंबर को रहा, कॉस्टिंग बर्थडे और कॉस्टिंग का पेपर साथ में, क्या करेगा तू, ओके क्या 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 सीनारियो है, तू इमेजिन कर, अभी इस केस में क्या करेगा, तू बोलेगा सर सेलिब्रेट करना चाहिए, हाँ अरे थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, बर्थडे है भाई यार, मेरे को बता कौन सा एक दिन बैठ पूरे साल का है, वो तू वेस्ट कर रहा है, पेपर पेपर पे मजे करने चाहिए, रिलैक्स करो, ठीक है। पर अब इमेजिन करो अभी क्लास आ रहा है, तुम्हारे भी ऐसे कोई दिन बीच में बर्थडे आएगा और क्लास आना पड़ रहा है, क्योंकि क्लास मिस हो जाएगा, क्योंकि सर आपने बोला था कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन टू कम नहीं है मेरे को, आज बर्थडे है मेरा मोटिवेशन कहीं और जगह है, लेकिन आज क्लास में आने के लिए आपने कंसिस्टेंसी रखने बोला, और माँ का समय आ गया, लग गया यार, बहुत बुरा लगता है कभी कभी, ऐसा लगता है क्या हो रहा है यार जिंदगी में, है ना, जा रहे हैं हाँ। तो ऐसा होता है कि बर्थडे वड्डे है और पैसे 14 फरवरी, मतलब फ्री कॉफी पी के नहीं, मतलब मैं तुमको बोला फ्री पी के आए होंगे, तू पी के आएगा, अरे तू लेट हो गया, तुम लोग क्या तू पिया नहीं, अरे जाके अच्छा नहीं, उसके लिए एलिजिबिलिटी सिंगल है, तो वैसा है, तो बस थर्ड फ्लोर पे है जाने का, कॉफी पी के आने का, बोलने का आई एम सिंगल, ठीक है, मैं भी पी के आया हूँ, मैं पूना में तो अभी सिंगल ही हूँ ना, मैं तो अभी पूना में, मैं तो सिंगल है, मैं और प्रशांत सर दोनों गए थे, मैं बोला चल भाई पी, वो बोला अरे यार नहीं रे भाई, मैं बोला अभी परिस्थिति एट दिस पॉइंट तू क्या है, चल बढ़िया है, अच्छा है, तो ब्रेक हो जाए, खाना वाना खा लो, कॉफ़ी पियो, अच्छी कॉफ़ी है, थर्ड फ्लोर में अच्छी टेस्ट अच्छी है, अच्छा फिल्टर कॉफ़ी है, सही अच्छा है,
कितनी भी है तू, कितनी बार सिंगल रहा? एक ही भी है ना, एक ही पीना सालो, हावड़े जैसे काम नहीं करना। नहीं तो दोपहर को सर, अभी दोपहर का सिंगल हूं मैं, फिर शाम को जाऊँ, शाम का सिंगल हूँ सर, सर रात को अभी भी सिंगल ही हूँ सर, पूरा 14 फेब निकल गया सिंगल ही। मतलब ऐसी कॉफी मत पीना कि कल मालूम पड़ता। तो लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बड़े बड़े रहा तो एंजॉय करिए, ठीक है वो बेटर है। ठीक है जा रहे तू? हाँ लेक्चर के बाद, ठीक है सही है बढ़िया। तो मैं इस पॉइंट पे था कि एक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, फिर रूल्स कैसे होते हैं? तो रूल्स है ना, एमसीए सुना है कभी शब्द? एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सर एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सीजी का डिपार्टमेंट है ये। किसका डिपार्टमेंट बोल रहा? सीजी का। सीजी का एक डिपार्टमेंट है एमसीए डिपार्टमेंट, और ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब है ना ऐसे हर डिपार्टमेंट होता है जो अपने अपनी चीजें हैंडल करता है। एमसीए का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये क्या हैंडल करेंगे? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हैंडल करेंगे मालिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होगा एमसीए, ये रूल्स केस में रोल प्ले करता है, ये रूल्स बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके अप्रूवल लेते हैं, और वंस रूल इज डन, ओके दे डोंट नीड टू लेट दिस रूल इन पार्लियामेंट। अपोजिशन को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि अपोजिशन ने ही मुझे पावर दिया है कि ये मैं बना सकता हूं। तो ये मैं बनाता हूं और ये पब्लिश करता हूं, कहां पर? ऑफिशियल गैजेट। तो रूल भी पहली बार बनते हैं, एक्ट भी पहली बार बनता है, पर क्वेश्चन है क्या रूल और एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं? यस अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट आते हैं तो कैसे होता है? अगर एक्ट में अमेंडमेंट आया तो किधर लेके जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। और रूल में अमेंडमेंट आया तो एमसीए, एमसीए मोदी जी, एमसीए। अब मोदी जी मतलब एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, समझ में आया मालिक? अब ये जब अमेंडमेंट आएगा, और अमेंडमेंट किधर डालेंगे वापस? ओके ओके करेंगे अमेंडमेंट। अभी एग्जांपल एक्ट में अमेंड किया, सेक्शन में अमेंड किया, ये मैं किधर लेट डाउन करूंगा? गैजेट में नहीं, पहले किधर लेट डाउन करूंगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ओके बोलेगा, फिर किसकी साइन? फिर किधर? गैजेट। पर गैजेट में क्या करके अपडेट होगा? गैजेट में क्या करके आएगा? एक्ट थोड़ा ना आएगा, एक्ट तो जो भी ईयर होगा उस टाइम पे आएगा। जैसे कंपनी एक्ट कौन से ईयर में आया? 2013। तो 2013 में एक्ट आएगा ना, तो अभी कुछ अमेंड हुआ तो क्या होगा? अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता, अमेंडमेंट एक्ट है ना कुछ एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस, यानी एक्ट में ही मेजर अमेंड होता है, अमेंडमेंट एक्ट करके नहीं होता है। उसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। आपके सिलेबस में ओके, जब मैं लॉ बोल रहा हूं ना तो एक्ट भी है, रूल्स भी है, नोटिफिकेशन भी है, सर्कुलर्स भी है। चार चीजें आपके सिलेबस में, क्या क्या है? एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? ये अपने को चार पार्ट। इसमें बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन सारे नोटिफिकेशन और सारे सर्कुलर अपने को एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कौन से एप्लीकेबल है? मॉड्यूल, आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपीज, ये बताते हैं अपने को कितना एप्लीकेबल है कितना एप्लीकेबल नहीं है। ओके तो ये चीज अपने को फिल्टर है। एक्ट कितना एप्लीकेबल है ये भी अपने को आईसीआई नहीं बताया, पर एक्ट एप्लीकेबल है तो पूरा ही एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन रूल्स हो गया, सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये चीजें अपने को फिल्टर करके एप्लीकेबल है। भारत माता की जय, जय बाकी मालिक, एवरीबॉडी पक्का? तो अब मेरे को बता, एक इसने शब्द यूज किया, क्या शब्द इसने यूज किया मेरे ख्याल से? अमेंडमेंट एक्ट, एक अमेंडमेंट एक्ट 2020 में अमेंडमेंट एक्ट भी आया। 2020 में क्या आया? अच्छा कंपनी एक्ट कब आया हुआ है? 2013। क्या 2013 के पहले भी कंपनी थी? फिर 1956, फाउंडेशन नॉलेज। तो कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड, निकाल दिया गया, और कंपनीज एक्ट 2013, यानी वो एक्ट को उड़ा दिया, ये एक्ट नया पूरा लेके आए। ओके ये तो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्ट हुआ, एवरीबॉडी एग्री? लेकिन एक मैं बोल रहा हूं, एक्ट में अगर अमेंड करना है, यानी एग्जांपल इधर एक शब्द ऐड करना है, इधर एक शब्द ऐड करना है, तो ये क्या होगा? अगर एक शब्द ऐड करना है ये क्या होगा? अमेंडमेंट है ये, तो मैं समझा, पर इसको क्या बोलेंगे अपन अपनी लैंग्वेज में? नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। जब अमेंडमेंट होता है नोटिफिकेशन होता है, रूल्स जब अमेंड होते हैं सर्कुलर्स। नहीं समझा? समझा। इधर अगर मैंने कुछ चेंज किया, एक सेक्शन है, एक एग्जाम सेक्शन नंबर 64, मैंने चेंज किया, कुछ शब्द डाला, शब्द डाल दिया, एक शब्द इंसर्ट किया, मेरे को बताओ क्या होगा? ये नोटिफिकेशन, समझ में आया? तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, एक अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अरे मां का समझाला क्या है? क्या कंपनीज एक्ट 2020 नाम हो गया? नहीं। ओके इवन अगर ये बुक है
किसी के पास बुक होगा तो अगर ये बुक अभी किसी के पास मिली होगी इस पे देखना टॉप स्टार्टिंग में क्या रखा हुआ है, एज अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ओके, यानी 2013 के बाद अमेंडमेंट 2020 में आया नहीं भाई, तो इसका मतलब 2020 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट ही नहीं हुआ। अबे यार 22 में अमेंडमेंट, दिसंबर का अमेंडमेंट भी है, सेक्शन 16 का अमेंडमेंट है दिसंबर में, अमेंडमेंट हुआ पर वो किस में आया, नोटिफिकेशन। तो फिर ये अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, ये अमेंडमेंट एक्ट क्यों बोले जाते हैं, फिर अमेंडमेंट एक्ट और सर्कुलर नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो ज्यादा और कम कैसे डिसाइड करेगी? नहीं रे, कुछ भी अमेंडमेंट पर्सन के लिए कंपनीज का बात चल रहा है। हाँ, अमेंडमेंट एक्ट समझा ना, पर क्या उसके लिए मैं वापस बोल रहा हूं, क्या एक्ट में अमेंडमेंट अभी भी आया है? अरे हाँ भाई, अमेंडमेंट अभी भी आए हुए हैं। अरे मैं दिसंबर का अमेंडमेंट बता रहा हूँ, सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 तो अभी देखेगा उसके अंदर, देखेगा उसके अंदर 6 मंथ का 3 मंथ कर दिया उन्होंने, या अमेंडमेंट, पर अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया, फिर वो कैसे मालूम पड़ा? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लाया उन्होंने कि भाई ये अमेंडमेंट है, ठीक है। फिर अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? ओके, ये बोल रहा है कि भाई मेजर हुआ तो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, छोटा हुआ, पर छोटा और मेजर कैसे डिसाइड करोगे? छोटा और मेजर कैसे डिसाइड करते हैं? तो जब भी अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, जो आपका पिछला एक्ट है उसके अंदर सारी चीजें नई वाली इंसर्ट की जाती है। जब रिप्लेस किया जाता कुछ चीजों को, क्या किया जाता है? रिप्लेस, तब अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। अगर अमेंड किया जाता है, अमेंड मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ये बोला माइनूट है, पर माइनूट वाइनूट कैसे डिसाइड करेंगे ये आज डे वन पे देखो मत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तब अपने को क्या होता है। ओके, ये होता है आपके लिए अमेंडमेंट। अब रिप्लेस कैसे समझेगा, तो थोड़े एक 15-20 मिनट दो, मैं आपको समझाता हूं, उसको लिंक करता हूं। पर लेकिन आपको अभी क्या क्या समझ में आ गया, क्या क्या अपना सिलेबस है? सिलेबस बोल मेरे को, कंपनी लॉ का सिलेबस बोल। एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, अमेंडमेंट एक्ट भी है। तो समझा कितना बड़ा है, तो 60 मार्क्स तेरे लिए प्रॉब्लम किधर आ रहा है, समझ में आया? क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और अगर ये वॉल्यूम तेरे को कवर करना है तो इसके दो टारगेट, दो सीन है। पहला सीन क्या होगा, ये वॉल्यूम कैसे कवरेज होगा, ये वॉल्यूम का कवरेज का क्या पॉइंट है, मैंने आपको क्लियर बताया सबसे पहले क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देने का। एक्ट पूरा इसमें से खत्म करने का। ओके, इसको एक भी सेक्शन भले वो, मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं ऐसे जो सेक्शन भले ही निकले हुए हैं, मतलब अपनी इंस्टीट्यूट बोलेगी 7-8 सेक्शन है जो अपने को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। ओके कितना सर, कितना टाइम जाएगा वो सब पढ़ने के लिए? हार्डली 30 मिनट्स, आधे पौने घंटे में तेरा कोई ज्यादा उखड़ता नहीं है, आधे घंटे में तेरा जमीन या आसमान कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आधे घंटे में तेरे को वो आइडिया आएगा, वो सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन तेरे को मालूम है वो सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी कैसे हो रहा है। मैं बताऊंगा उसका रीजनिंग भी बताऊंगा, मैं प्रॉपर रीजनिंग के साथ दूंगा, ऐसा ऐसा खाली अपन खाली देखने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रक्चर वाइज अपने को याद रखना जरूरी है। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ठीक है, तो ये हुआ पहला सेट जो अपन ने स्टार्ट किया, मतलब ये जो मेरे को समझाना था। तो मेरे ख्याल से सब लोग को मोटा मोटी अभी ये समझ में आ गया कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो डे, आज डे टू है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा एक्ट है अपने सिलेबस में? कंपनीज एक्ट। लेकिन खाली कंपनीज एक्ट है या पूरा कंपनी लॉ है? कंपनी लॉ। तो अपन शुरुआत करेंगे एक्ट से ही, लेकिन लॉ की बात करेंगे, मतलब एज ए वी आर डिस्कसिंग नॉट ओनली एक्ट, वी विल बी डिस्कसिंग ए लॉ, लेकिन लॉ विल डिस्कस वंस वी डिस्कस द एक्ट। एक बार एक्ट समझ जाते हैं, एक सेक्शन समझते हैं, उसके बाद लॉ को देखेंगे। अब क्वेश्चन आता, सर ये एक्ट कहां पर लिखा हुआ है, या मुझे अगर एक से एक्ट देखना है? ओके सर, यहां पर लिखा हुआ है ना, तो सर ये तो आपने प्रिंट दिया है, ये मेरा प्रिंट नहीं है वैसे, टैक्स मैन वाले का, ये बाहर बुक्स, ये यूज करने वाले कौन है? प्रैक्टिस करने वाले। और यही पॉइंट है, देखो एक सबसे बड़ा बेसिक्स है, अभी ये कोई भी बोलेगा सर बैर एक्ट से पढ़ाना, अरे ये तू मैं तेरे को बोलता हूँ 10 लेक्चर के बाद तू देख, 10 लेक्चर के बाद तेरे को साला एक कॉन्सेप्ट बता दूं मेरे को जो नहीं मालूम है, और जब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मतलब MCQ। दूसरा फिर तेरे को आएगा कि सर याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए दूसरा काम मेरा है ना रटाने वाला, फिर दोनों पॉइंट कवर होता है। और ये तेरा इसका कंट्रोल आ गया ना, इसके बाद किसी की ताकत नहीं है कि तेरे को कोई क्वेश्चन के लिए डाउट कर सके। बट मैंने क्या बोला, इंटरप्रिटेशन तू एक्ट के हिसाब से करना, तो जिधर इंटरप्रिटेशन एक्ट के हिसाब से होगा मैं बताऊंगा ना, मैं डिस्कस भी करूंगा, मैं तेरे से ही पूछूंगा तेरे को क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, तो अपना ज्ञान चेपेगा, और मैं चाहता हूं कि तू अपना ज्ञान चेप, क्योंकि उस ज्ञान के बाद फिर मैं तेरे को काउंटर ज्ञान दूंगा, फिर तेरे को वो लाइन ऑफ डिफेंस में समझ में आएगा, अच्छा ऐसे सोचना है।
देखो इट मे हैपन दैट यू मे नॉट, मतलब ऐसा होता है कि आप मेरे से पहली बार सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो मतलब अभी ये लॉ आपने फाउंडेशन में जैसे पढ़ा होगा और अभी जो पढ़ रहे हो शायद तरीका आपका एक अलग तरीका होगा, वॉट एवर, इसीलिए अपन बोल रहे कि अपन 2-4 दिन अपने को अडेप्ट करने में जाएगा कि हाँ सर मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे. तो बस मेक इट श्योर, जो मैंने कल बोला मैं थोड़ा हाइपर हूँ कभी कभी बात करने में, मतलब एटलीस्ट 3 घंटे में आपको समझ में आ गया हाइपर मतलब, समझ आ रहा है मैं ऐसे ऐसे होता हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि मैं ऐसे कांड करूंगा, ठीक है रिलैक्स माइंड में. मैं खुद मैं हाइपर है कि मैं बोलने में हाइपर हूँ. जिसका ब्रेन बहुत भारी रहता है ना वो ऐसा रहता. इन शॉर्ट मैं लाल कर रहा हूँ मेरी, समझा, मैं बता रहा हूँ बहुत भारी ब्रेन है अपना. तो भारत माता की जय, ब्रेन से ज्यादा पॉइंट एकदम क्लियर रखो. तो सर ये एक्ट आपने दिया ठीक है, हमको ऐसे बताओ ये एक्ट बनाता कौन है या हमको कौन मिलेगा. तो मैंने क्या बोला, एक्ट बनाने वाला सीन क्या, मैंने बताया एक्ट बनाने वाला सीन क्या है. अभी इधर वाईफाई चाहिए, इसको वाईफाई से निकालता हूँ, 1 मिनट रुको. एक्ट बनाने वाला सीन किसने बनाया मेरे को बताओ, एक्ट किसने बनाया, नहीं लॉ मेकर ने. लॉ मेकर ने किसको दिया, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने किसको दिया, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने किधर डाल दिया, ऑफिशियल गैजेट. अब अगर मुझे अभी एक्ट चाहिए, मेरे को पता करना है ये एक्ट किधर है क्या नहीं है, ये सब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है. लेकिन ऑफिशियल गैजेट अपने को कहाँ से मिलेगी, तो अपने को ये कॉन्सेप्ट मिलता है एमसीए की वेबसाइट से. कौन सी वेबसाइट से बेटा, एमसीए. एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. तो अगर आप कुछ भी मत करो, मैं तो बोलता हूँ बाकी गया तेल नहीं, आप गूगल पे जाओ, बाकी तो जाओ गूगल बाबा तो विश्वास ही है अपने को, तो गूगल बाबा पे जाने का. और अपने को अभी आपको क्या सच मानना है. अभी सबसे पहला एमसीए की वेबसाइट पे जाते हैं. तो एमसीए की वेबसाइट जैसे ही आ गया स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉप में दिख रहा है ना स्क्रीन पर. एमसीए की वेबसाइट आई, .go. ये तो डायरेक्टली सेक्शन में आ गया, इसके पॉइंट में ये सेक्शन में आ गया एमसीए की वेबसाइट. एमसीए की वेबसाइट अभी ये वाली एमसीए की वेबसाइट है पहला वाला. इस वेबसाइट पे गए, ये किसकी वेबसाइट है, कौन बना रहा है इसको, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं. कौन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट. कैसे मालूम पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. कोई भी वेबसाइट के आगे बताया जाता है, अगर कोई भी वेबसाइट आप पढ़ते हो, एग्जाम्पल www. xyz.com मतलब कंपनीज, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .edu मतलब एजुकेशन, .gov मतलब गवर्नमेंट. तो यूजुअली एमसीए ये आपको वेबसाइट्स याद रखना, ऑफिशियल वेबसाइट. ऐसे वेबसाइट के फर्जी वेबसाइट भी बनती है. सर आपको फर्जी वेबसाइट बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा कभी एक अचानक मैसेज आ जाएगा कि भाई विनोद रेड्डी सर का एक प्राइवेट मैसेज मुझे मिलेगा कि भाई आज कुछ ऑपरेशन करना है, 20,000 रुपये प्लीज ट्रांसफर कर, मैं तेरे को कल देता हूँ. इंस्टाग्राम फेसबुक पे आया है क्या कभी किसी को, नहीं आया है. पर आता है मालूम है ना, ये क्या है, फॉर्ज अकाउंट मालूम है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कोई अपना एक आईडी बना देता है, किसका, विनोद सर का पूरा, या मेरा बना देगा और फिर बाद में बोलेगा और आपको लगेगा अरे यार विनोद सर मुझसे, ओ माय गॉड. और तुमको ऐसा लगेगा नहीं भाई इस बंदे ने पहली बार पैसे मांगे यार मेरे से, देने चाहिए. फिर तू बोलेगा सर कहाँ पर पैसे देने आओ, सर बोलेंगे नहीं 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 आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज गिव मी ए गूगल पे. तू बोले सर प्लीज ट्रांसफर योर नंबर एंड सर विल शेयर हिज नंबर एंड यू विल ट्रांसफर. आफ्टर 10 डेज यू मीट विनोद सर इन प्रेस्टीज पॉइंट. विनोद सर हाउ इज योर लेग, आपके पैर का ऑपरेशन हुआ. विनोद सर बोले कब हुआ, सर I gave 10,000 for your operation. I gave 20,000 for your operation. Sir, बोला ओए कब? फिर बाद में मालूम पड़ेगा वो तो कोई और विनोद सर है. तो कभी वेबसाइट देखते वक्त ध्यान रखना कौन सी वेबसाइट है मालिक. मालूम पड़ा कोई आड़ी तेड़ी वेबसाइट में घुस गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो छोड़ दे, तेरे लाइफ में अफेयर आ जाएंगे. अरे अरे बहुत गड़बड़ होते हैं भाई, तुमको मालूम नहीं आज के डेट में टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में यू नीड टू टेक केयर. तो भाई ये है जीओवी वेबसाइट जिसमें वो घुसे, ये आ गया, दिखे कौन, खत्म ना. तो जो मैं आंसर दे रहा हूँ बरोबर है ना, खत्म. तो मोदी जी, मोदी जी दिख रहे हैं, ये एमसीए की वेबसाइट है. देखो वापस मोदी जी, जय मोदी जी. अब अगर बात करें अभी अगर इधर देखो फर्स्ट टैब, ये टैब देख रहे हो, ये होम टैब दिख रहा होगा आपको, उसके बाद दिख रहा है अबाउट एमसीए. अपने को अभी एमसीए में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अब हाल फिलहाल अपना इंटरेस्ट किसमें है, कंपनी लॉ एंड कंपनी एक्ट. फिर आप जाते हो एक्ट एंड रूल्स, आप एक्ट एंड रूल्स में जाओगे, एक्ट एंड रूल्स में आपको मिलेगी ई बुक, उसके बाद दिखेगा कंपनीज एक्ट पीडीएफ, उसके साथ और एक दिख रहा है एलएलपी एक्ट. एलएलपी फुल फॉर्म लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कंपनीज एक्ट के साथ में फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर में दिया जाता है, मतलब वो उसके साथ में अलाइन किया गया है, इसलिए इनके पास ये पॉइंट रहेगा. और एक सीएसआर के लिए कोरोडियम, सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है वो आगे आएगा जब आएगा. लेकिन एक चीज अपन बात कर सकते हैं, टाटा और रिलायंस
ओके, तोड़ पैसा कमाने वाली कंपनी रिलायंस, लेकिन तोड़ कंपनी जो भाई अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बेहतरीन है, इज्जत किसको मिल रही है? क्यों? चैरिटी भी वो बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट होकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ काम कर रही है वो। ओके सर, इसका मतलब रिलायंस और वगैरह ये नहीं कर रही है क्या? अरे कर रही है, पर इनका मोटो इज नॉट सोसाइटी, मोटो इज शेयर होल्डर हु आर हैविंग फेथ इन देम। टाटा इज टेकिंग केयर ऑफ शेयर होल्डर, बट एट द सेम टाइम टाटा इज गिविंग इट्स ओन विजन कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी। तो शेयर होल्डर, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, दिस मनी इज अप्रोक्सिमेटली यूजिंग इन सोसाइटी। उसी तरह ये पॉइंट है, तो सीएसआर का कॉन्सेप्ट एक एडिशनल, पर अपने लिए मेन इंटरेस्ट क्या? अभी कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कंपनी लॉ में, ये कंपनीज एक्ट का एक पीडीएफ अगर मैंने इसको खोला, अभी इसमें देखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 1956, अपने लिए कौन सा सिलेबस है? 1950 खत्म हो चुका, ठीक है, तो 1950 से कंपनीज एक्ट 2013 पे जाओगे, क्लिक करोगे, इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है कि क्या है, नहीं है, बराबर है, अगर आप देखोगे तो आपको सारा सेटअप बन जाएगा। ये कंपनीज एक्ट का पीडीएफ है, अगर इधर दिख रहा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, पर अभी मेरे ख्याल से अभी दिख रहा है, देखो अभी देखोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 का ओके जो पीडीएफ है डायरेक्ट मिलेगा। प्रोड्यूसर कंपनी एक है, कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट का था, 2013 के पहले जो था ना वो प्रोड्यूसर कंपनी साथ में था, तो अभी सेपरेट कर दिया, तो प्रोड्यूस कंपनी का एक अलग से सेपरेट एक्ट है। उसके बाद क्या मिल रहा है? अमेंडमेंट्स। ओके, इसके पहले क्या लिखा है? क्लियर, क्लिक हियर टू व्यू एक्ट्स इन ई बुक्स, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक्ट ई बुक्स में मिल जाएगी, तो जो ई बुक्स चाहिए या कुछ चाहिए उसके बारे में मिल जाएगा। अरे यार क्या स्लो यार इधर का इंटरनेट यार, ये मेरे भाई। फिर इसमें क्या दिख रहा है? अमेंडमेंट, समझ में आया? अमेंडमेंट के साथ में ये कौन बनाता? ओके, ये पूरा एमसी के हाथ में रहता रूल्स, नोटिफिकेशन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये ऑडिट के सिलेबस में मिलेगा। ऑर्डर, ऑर्डर अपने सिलेबस में नहीं है, ऑर्डर एक कंपनीज ऑडिटर ऑर्डर रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑर्डर कारो बोलते हैं जिसको, ये ऑर्डर इज नॉट इन अपने लॉ, इट इज इन ऑडिट ग्रुप टू। ग्रुप टू में आपको ऑडिट का पॉइंट भी है, ये ऑर्डर के पॉइंट उधर है, तो ऑर्डर का कंपनी एक ही ऑर्डर है, उसमें भी अपने पास मल्टीपल ऑर्डर है, उसमें अपने सिलेबस में रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट है, तो अपना सिलेबस इधर है। तो अगर आपको कहीं पर भी बेयर ढूंढना है, मतलब एक्चुअल ढूंढना है, मेरे को अभी सर आप पढ़ा रहे हो सकता है आज जो आप पढ़ रहे हो ओके, वो आपको इंस्टीट्यूट ने जो दिया है ना वही पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे को वही रखना होगा। मैं आपको बता रहा हूं अमेंडमेंट 50 आते होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट 50 अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं करती, उसमें से 3 अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट, 5 अमेंडमेंट, 10 अमेंडमेंट, दैट्स इट। 40 अमेंडमेंट होंगे भी नहीं अपने सिलेबस में सर, क्यों? इंस्टीट्यूट का लॉजिक है, इंस्टीट्यूट बोलते हैं हमको जितना रिलेवेंट है या जितना पॉइंट हमको लेना है उतना ही लेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या है, करंट अभी क्या चल रहा है, तो ढूंढना है, तो किधर जाने का? MCA की वेबसाइट पे, MCA की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन हो रहा है। MCA की वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, इसके ये टैब्स जो क्लिक करोगे, ये टैब्स क्लिक करते जाओगे तो आपको ये लिस्ट मिलती जाएगी, ये आपको मिल जाएगा क्या अमेंडमेंट एक्ट कब कब हुए, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे आए, ओके रूल्स में क्या क्या रूल्स है। अब रूल्स का पॉइंट है, रूल्स के सिनेरियो है, ये सब आपको लिस्ट मिलती जाएगी। तो मैंने आपको खाली ये बताया, इसका पूरा रिसोर्स समझ में आ रहा है, ये रिसोर्स कौन सी वेबसाइट पे मिलता है? सब एमसी की वेबसाइट पे। ओके, ये खाली ये नॉलेज पर्पस के लिए, अपने को प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपने को जो बेयर नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, वो अपने को सेक्शन 140 से 1 से लेकर 148 चाहिए। अब सीए फाइनल में, ओके सीए फाइनल में जो एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है, जो अभी आपको एप्लीकेबल है, उसकी बात करें तो उसमें सेक्शन होते हैं 149 से लेकर ओके 450 तक, 149 से 450 कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ बोला मैंने। अब 149 से 450 ओके, आपका जब नया सिलेबस आएगा उसमें वो स्क्रैप हो चुका है, यानी तेरी लाइफ में कितने सेक्शन आने वाले खाली 148 तक, 148 के बाद सेक्शन है ही नहीं तेरी लाइफ में। ओके सर, सीए फाइनल में लॉ सेल्फ पेस मॉड्यूल करके कुछ कॉन्सेप्ट है मालूम है ना, ओके आपके टोटल 10 पेपर हो जाएंगे, 6 पेपर जो मेन लिखने वाले और 4 दो साल में घर पे बैठ के देने गए, घर पे बैठ के कंप्यूटर चालू करने का, कंप्यूटर चालू करने का, बैठने का, बुक रहे या नहीं रहे, जो भी है ओके सेल्फ पेस, वो चाहते कि तुम एक बार गो थ्रू करे, पर उसमें इकोनॉमिक लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ नहीं है। तो तुम्हारी लाइफ में 149 अगर न्यू सिलेबस आ जाता है, तो इन शॉर्ट तुम्हारी लाइफ में 149 के बाद सेक्शन है ही नहीं। इन शॉर्ट वी आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ,
एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एक्सपर्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स, वन इज अकाउंट्स एंड वन इज ऑडिट. बस तो आप ये समझ लीजिए यहां पर एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए नहीं, इधर क्या चाहिए एप्लीकेशन नॉलेज चाहिए. एक्सपर्टाइज नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ओके, रहने भी नहीं वाला है, पर एप्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन मतलब यार बेसिक है. अभी सर उसमें कौन से सेक्शन क्या रोल प्ले करते हैं, विल डिस्कस इट आउट, बट टू द एक्सटेंट मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक स्टार्टिंग वाला लॉजिक समझा होगा सबको क्या मैं बड़बड़ कर रहा हूं. तो अपने को अगर बेयर एक्ट अभी देखना है, अगर मेरे को ये देखना है, ये जो मैंने आपको दिया है, ये मैंने आपको दिया ये वाला तो आपको हार्ड कॉपी दिया है क्योंकि मैं इसमें से जाऊंगा एक और, पर इसकी अगर मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इसकी नहीं, ये तो पूरा एकदम साइजेबल बुक में बना के दिया है, लेकिन अगर इसकी पूरी ओरिजिनल ऐसा क्या ये है, ये सब ओरिजिनल ही है लेकिन इसको फॉर्मेट करके दिया है, ओके, उसको ये मेरे को देखना है, तो आपको इधर कंपनीज एक्ट में जाना है, ये आ गया आपके पास, ये बेयर एक्ट है. आत्मा क्लियर, ठीक है, ओके. तो पहला सेट मेरे ख्याल से अभी तक का लिए पहला सेट समझ में आ गया, कौन सी वेबसाइट से क्या मिलता है क्या नहीं है, ये रिसोर्स है सर, क्या ये मेरे काम का है, जस्ट बताना था मेरे को, आपको बताना था कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, जो भी आप पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं किधर तो अवेलेबल ही होगी ना, ठीक है. जैसे अपने रियल लाइफ में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं चैप्टर्स, उसी तरह जब बेयर एक्ट होता है उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं चैप्टर्स. बेयर एक्ट भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एवरी बेयर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, हां चैप्टर्स ही रहेंगे, ओके. तो अब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो उसमें चैप्टर्स क्या है, कंपनी लॉ कंपनी एक्ट उसकी बात करूं चैप्टर्स क्या है, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, ओके, दो चार चीजें मुझे आपसे चाहिए, फिर मैं इस पॉइंट पे आता डिस्कशन में. मेरे को बताइए पैसा लगाने वाला कौन, वैसे अच्छा कंपनी कितने प्रकार की होती है कुछ बताइए, कंपनी कितने प्रकार की होती है, दो नाम सुने होंगे आपने, कौन सी दो, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, बाकी उसमें ओपीसी है, चैरिटेबल सेक्शन है, वो सब देखता हूं मैं बाद में, पर प्राइवेट पब्लिक सुना है, ठीक है, आपके हिसाब से प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, कुछ आइडिया, जो पब्लिक नहीं होती है, सर पब्लिक कौन सी होती है, सर आंसर आर प्राइवेट एंड पब्लिक, ओके. प्राइवेट क्या होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए, पर मालिक तोड़ याद है फाउंडेशन कुछ याद है, 200 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम 200 200 200, यानी 200 के ऊपर मेंबर हो गए तो पब्लिक है, प्राइवेट हो ही नहीं सकती, वो प्राइवेट में हो ही नहीं सकते, प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बस और कुछ, टर्नओवर के क्राइटेरिया सब बढ़ गए, टर्नओवर स्पीड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया बचे नहीं है अभी लॉ में, पहले क्राइटेरिया थे जब आया था 2013 ना, तब क्राइटेरिया थे, अभी क्राइटेरिया पेड अप शेयर कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्राइवेट पब्लिक कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं पब्लिक को उल्टा करते हैं, पब्लिक इज कंपनी विच इज नॉट ए, बस तो अपने को किसका डेफिनेशन चाहिए, प्राइवेट. फॉर्मल में जा भी नहीं रहा हूं, आप मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपका फाउंडेशन का नॉलेज है, मेरे को कुछ और मेरे को समझाना है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, आप मेरे वापस बोलो 1-2-3 दिन आराम से सिर्फ मेरे स्ट्रक्चर में जाते रहिए, अब एक बार मेरे टेक्निक में बैठ गए ना, मेरे को बस ये चाहिए कि मैं तेरे को कोई भी सेक्शन पूछू, कोई भी प्रोवाइडर पूछू, कोई भी पार्ट पूछू, तेरे दिमाग में वो सीक्वेंस बैठना चाहिए, अच्छा ये सेक्शन, ये इसका पॉइंट, ये सबका सेक्शन, इसका प्रोवाइडर, ओके ये पॉइंट आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये तेरे दिमाग में छपा होना चाहिए, मेरे को बाकी बुक में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये छप गया तेरे दिमाग में, मेरे को क्लोज है टारगेट, तो इसके लिए तू मेरे टेक्निक के साथ मैच कर. सबसे पहला पॉइंट मेरा क्वेश्चन आता है, इन शॉर्ट यही है जो स्क्रीन में, ये डायरेक्ट है आपके पास, अपने वेबसाइट से निकाला है, मेरा क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी क्या होनी चाहिए, तो एक आंसर मेरे को मिल गया मालिक, मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 200, एवरीबॉडी एग्री, ठीक है, ओके, आगे और किसी ने कुछ बोला, शेयर्स का कुछ बोला, शेयर्स पे क्या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन, देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होने चाहिए, उसमें जॉइंट होल्डर ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बस एक कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं, ठीक है, पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये मेरे पास शेयर्स है, ये शेयर है, ओके, ये शेयर है, ओके, एक्सपर्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स है, प्राइवेट लिमिटेड ही एक्सपर्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इसमें शेयर्स मेरे पास है, अब मेरे को बताओ इस पर रेस्ट्रिक्शन डालना मतलब क्या डालना, ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन मतलब मैं किसी और को दे सकता हूं पर कंडीशंस, अब क्वेश्चन है कंडीशन कहां पर होगी,
मेमोरेंडम में नहीं होती, आर्टिकल। दो चीज होती है कंपनी के पास जिसके ऊपर पूरी कंपनी निर्भर होती है, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल। मेमोरेंडम इज अ चार्टर ऑफ कंपनी जिसके ऊपर पूरी कंपनी निर्भर है, लेकिन एओए इज रूल्स। मैं बोल रहा हूं कोई कंटेंट में आ ही नहीं रहा हूं, मैं बैकग्राउंड सीटी बजा रहा हूं। मेरा कंटेंट चालू होएगा उसके बाद एक 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 एमओए का, अबे एक एक दिन जाएगा एक एक एमओए में, एक एक लेक्चर, दो दो घंटे का डिस्कशन है वो। तो तेरे को ऐसा लग रहा है हो गया और खत्म हो गया, वाह वाह मेरे को सब आ गया, ऐसा कोई कंक्लूड करना। और अगर ऐसा कंक्लूजन है तो मैं तुम्हारी दो मिनट के बाद मार सकता हूं, मतलब मार सकता हूं, समझ में आ रहा, मैं सवाल पूछता तेरे को मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे कार्यक्रम में मेरे को बताओ भाई और बहनों, रेस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर किसमें लिखा होगा, कि रेस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए शेयर पे, ये किसमें लिखा होगा, एओए। इज दैट पॉइंट क्लियर अभी? तो एग्जांपल क्या लिखा होगा, एग्जांपल एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड अकेडमी में क्या लिखा होगा रेस्ट्रिक्शन, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल बताओ रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स के, कोई भी एक एग्जांपल दो आपके हिसाब से, सुशील सर ने या विनोद सर ने क्या डाला होगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नहीं होते, मेंबर्स, ठीक है ओके, ट्रांसफर करने के पहले बाकी मेंबर्स का सारा का कंसेंट, अगर कंसेंट दे रहे होंगे तो चलेगा ओके। जो भी मेंबर होगा वो सीए ही होना चाहिए, दूसरा मेंबर नहीं चलेगा। ये किधर लिखा होगा, आर्टिकल्स में लिखा होगा, ये रेस्ट्रिक्शन है, समझ में आया? तो दो दो पॉइंट मेरे को बताओ, प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, पहला पॉइंट मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, दूसरा रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन, समझ में आया? और तीसरा और एक है, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते आप, देर कैनॉट बी इन्विटेशन ऑफ ऑफर टू पब्लिक। इन शॉर्ट मैं पब्लिक को नहीं बोल सकता, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे आप आके मेरे शेयर सब्सक्राइब करिए और पैसा दीजिए, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते। सर पब्लिक से पैसा, तो मेंबर से तो पैसा तो ले ही रहे ना सर, सर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अगर एग्जाम्पल, मैं मेंबर नहीं हुआ कुछ भी, मैं एम्प्लॉय हूं, कल भी मैंने आपको बताया आई मैन एम्प्लॉय, आर यू क्लियर ओके। यानी अमित तातेड़ अगर सुबह से लेकर रात तक मरवा रहा है तो इसके मतलब उसके मतलब उसके घर पे दो वक्त की रोटी जानी चाहिए भाई, दो वक्त की रोटी का सबसे बड़ा कंस्टेंट है ओके, मेरे दो बच्चों के लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे पापा मम्मी, हाँ रैंगलर का पेट्रोल जैगवर का पेट्रोल तो नेवरदेलेस ओके, जिसको नहीं मालूम है क्या है, तो अपन बहुत शौकीन आदमी है गाड़ियों के, हाँ तो थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में, कल मैंने इंट्रोडक्शन करते वक्त भूल गया, मैं ये भी बताना चाहिए था ओके। तो 2013 से लेकर टिल डेट तक अपन ने हर साल में एक एक गाड़ी खरीदी है, 2014 से लेकर अभी तक मेरे पास सारी गाड़ी है, सारी गाड़ियों का कलेक्शन है, तोड़ गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें से अगर एकदम पीक बात करें तो जैगवर एक्सेल जो 1.45 की है, और एक है रैंगलर जो 80 लैक्स की, ये दो पीक कलेक्शन है अपने, बाकी तो सारे है चल रहे छोटे मोटे, मतलब फॉर्चुनर है, कैमरी है, कंपास है ऐसा। तो अपन मतलब गाड़ियों के शौकीन है, देयर इज अ बिग डिफरेंस ओके। मेरे ख्याल से सब लोग, विनोद सर तो जानते हैं, विनोद सर इज अ इन्वेस्टर इन फिक्स्ड एसेट्स वेयर एप्रिसिएशन गेट्स, अमित तातेड़ इज अ इन्वेस्टर इन डेप्रिसिएबल एसेट्स, समझा? प्रशांत सर इज गिविंग ए ज्ञान टू बोथ द एसेट, प्रशांत सरडा सर इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका ग्रुप टू का पेपर आपको सिखाएंगे पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ, बहुत पैसा मिलेगा लेकिन बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने के बाद तू ऐसा सर बताएंगे तू पैसा बचा इन्वेस्ट कर ये कर शेयर मार्केट ये वो ओके शेयर इधर कर उधर कर, और जब 70 साल का होगा देख तेरा वैल्यूएशन क्या होगा तेरा, 70 साल में ना दांत नहीं बचेगा कुछ खाने को, घून है। तो दोनों अलग अलग है, अमित तादर अलग है, प्रशांत सर अलग है, विनोद रेड्डी कुछ अलग ही है अलग ही है। तो अमित तादर आपको ये बोलेगा क्या करने का, खर्चा कमा रहा है उड़ा कमा रहा है उड़ा कमा रहा है उड़ा कमा क्यों रहा है, कोई बोलेगा सर बच्चों का क्या है, वो कमाएगा, अरे उसके लिए मैं क्यों कमाऊं भाई, मेरे बापू ने क्या सिखाया अपने को, मेरे बापू ने बताया तू एजुकेशन अच्छी रख, मेरी एजुकेशन पापा ने अच्छी की,
बाकी बोला तू अपनी मेहनत करेगा और तेरे को जो चाहिए वो अपनी मेहनत से कमाएगा, बस मैं भी वही कर रहा हूं, तो मैं क्यों क्यों आदित्य काय के लिए करेगा मेहनत वो अपनी, उसको पैसे चाहिए उड़ाने के लिए, वो कमाएगा। लॉजिक क्लियर है अपने स्टार्टिंग से, एकदम ट्रांसपेरेंसी। अभी वो 3 साल का है, समझ नहीं रहा उसको, पर वो थोड़ा बड़ा होकर समझ जाएगा उसको। ना बस एजुकेशन तक अपन पैसे देंगे, उसके बाद तू अपना देख, ऐसा लॉजिक बनेगा। तो दो वक्त की रोटी के लिए एक्सपर्ट, मतलब सर के पास, सर जो बोले वो काम कर रहा हूं मैं। तो अब इधर के मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स में 3 नाम है। कौन 3 नाम है? सुशील भंडारी, विनोद रेड्डी, प्रशांत सरदा। प्रशांत सरदा मेंबर्स, मेंबर्स, मेंबर्स। ओके, अब ये 3 मेंबर है, इसमें प्रशांत सर को लगता है कि अभी मेरे को एक्सपर्ट का शेयर, कुछ शेयर है मेरे को निकाल देने हैं, और बोल रहे कि अमित को दे देने। अब क्वेश्चन है, ओके, एक्सपर्ट में क्या होगा? सबसे पहला, क्या ये मिनिमम 2 नंबर्स है? यस। मैक्सिमम 200 है क्या? नहीं। ओके, उनको लग रहा है अमित को देने, दे सकते हैं, लेकिन परमिशन बोलो मत, परमिशन तो एग्जाम्पल था, उनके आर्टिकल में जो लिखा होगा, परमिशन छोड़ दो, अपने को मालूम थोड़ा ना, तुमको मालूम है क्या कंसेंट है, वो तो एग्जाम्पल था, उनके आर्टिकल में जो लिखा होगा वो रेस्ट्रिक्शंस प्रशांत सर को फॉलो करने पड़ेंगे। आत्मा क्लियर? अब और एक चीज है, एक्सपर्ट को पैसे की जरूरत है। अब एक्सपर्ट बोल रही है, एक्सपर्ट एकेडमी को और बढ़ाना है, एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर खरीदना है 2 करोड़ का, 2 करोड़ का खरीदना है तो 2 करोड़ रुपए मतलब चाहिए, 3 करोड़ का उसको पैसा चाहिए। अब ये एक्सपर्ट एकेडमी पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती। ओके, न्यूज़पेपर में ओके 2 करोड़ इन्विटेशन है आपको, हम मेंबर बना, क्योंकि 4 ही मेंबर है अभी, 3 ही मेंबर है, या मैं बना तो 14 मेंबर। ओके, उसके बाद तो अभी तो बचे हुए हैं ना मेंबर्स। अरे भाई हमें पैसा चाहिए, आपको मेंबरशिप एक एक शेयर दे देंगे हम। ओके, हमको 2 करोड़ चाहिए। ओके, एक एक शेयर 10 रुपए का देंगे, ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड दिया। ये ऐड आप नहीं दे सकते, ये ऐड आप नहीं दे, यानी आप क्या नहीं दे सकते? इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब माय शेयर्स। आई कांट इनवाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब माय शेयर, भारत माता की। अरे समझ में आएगा मालिक? ओके, और ये इनविटेशन टू पब्लिक के लिए हाल फिलहाल अपने दिमाग में रख लो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। भले सर न्यूज़पेपर ऐड है वो भी प्रोस्पेक्टस, यस वो भी प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है, भारत माता की जय। जय मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज करें मालिक। मैं बोल रहा हूं, मैं फॉर्मल आंसर में नहीं जा रहा हूं, पर मेरे को जो बैकग्राउंड चाहिए वो रेडी करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे डिफाइन करोगे? मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, यानी 200 के ऊपर गए तो पब्लिक, खत्म स्कोरी खत्म, आप पब्लिक बन गए सर, पब्लिक। ओके, दूसरा सिनेरियो, रेस्ट्रिक्शंस इन एओए, ट्रांसफर ऑफ शेयर। सर अगर एओए साइलेंट है तो, एओए साइलेंट है तो कंपनी एक्ट में कुछ नहीं, कंपनी एक्ट मतलब ठीक है वो बेसिक देगा, कंपनी एक्ट के रेस्ट्रिक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन एओए साइलेंट है तो फिर कर लो। नहीं, मेमोरेंडम में कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, मेमोरेंडम इज चार्टर ऑफ कंपनी। सर एमओए में क्या लिखा होता है देख ले, एमओए में क्या लिखा होता है मैं आपको वापस बता दूं। एमओए में लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है, एमओए में लिखा है कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, एमओए में लिखता है कंपनी का काम क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, और एमओए में पैसे किसने दिए स्टार्टिंग में, जिसको शायद आपने सुना होगा सब्सक्राइबर वर्ड सुना है, ठीक है, बट नेवर्थलेस, पर मेरे ख्याल से जीवा के मालिक था तक, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। ओके, तो वापस आ जाते, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, वो क्या नहीं मंगा सकते? इनविटेशन टू पब्लिक फॉर आस्किंग मनी, मतलब अपने पर्पस के लिए, पैसा नहीं आ सकता, ऑफर नहीं दे सकते वो किसी को, किसको ऑफर नहीं दे सकते? ओके, तो सर क्या इनको पैसा नहीं मिल सकता? यस मिल सकता है। सर ये किसको बोलेंगे? प्राइवेटली बोलेंगे, ऑफर नहीं देंगे। ओके, प्रशांत सर मेरे को मिल सकते हैं, प्रशांत सर मेरे को बोलते हैं अमित सर ओके 2 करोड़ चाहिए, ओके आप आ जाइए, आपको इतने शेयर मिल जाएंगे आपको। ओके, चलेगा, ये चलेगा, इनविटेशन टू पब्लिक, जनरल पब्लिक नहीं दे सकते, या आपस में मेंबर से, या इंडिविजुअल मेंबर से, डायरेक्ट मेंबर से, समझ में आ रहा है? ये ऐसा कर सकते हैं, पर ये अगेन क्या ध्यान रखना होता है, आर्टिकल्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन, बट विल चेक इट आउट लेटर ऑन। भारत माता की जय, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी फिर कौन सी हुई? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो प्राइवेट नहीं वो पक्का, क्लियर, ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी और चीज है पर अभी के लिए इतना स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब जो ये कहानी मैंने प्राइवेट पब्लिक की बताई, इसके अलावा ओके आपने एक और एक नाम सुना होना चाहिए, ओपीसी। ओपीसी का मतलब 1% कंपनी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? एक ही मेंबर, तो ओपीसी इज ऑल्सो ए प्राइवेट लिमिटेड। एक चीज तू बाइबल जैसे बिठा के रख दिमाग में, देर आर ओनली 2 क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट
एंड पब्लिक। बाकी जो भी नाम मिला सर, गवर्नमेंट कंपनी यही दो है। ये पब्लिक किसने बोला? पब्लिक का पैसा आया तो गवर्नमेंट कंपनी कैन ऑल्सो बी प्राइवेट कंपनी। यही दो है, यही दो है, यही दो क्लास में से ही एक होगी। ये दो से बाहर नहीं होती मालिक, ये ध्यान रख। गवर्नमेंट कंपनी भी कौन सी होगी? या तो प्राइवेट या तो पब्लिक। सर सेक्शन 8 कंपनी, अगर बाय चांस सुना हो सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल पर्पस जिसका मकसद है, वो भी कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट या पब्लिक। उसको स्टेटस दिया गया है कि तू चैरिटेबल पर्पस के लिए है। डॉर्मेंट कंपनी एक नाम सुनेंगे, डॉर्मेंट कंपनी सुना है क्या? डॉर्मेंट कंपनी ओके, वो भी कौन सी होगी? प्राइवेट या पब्लिक। लेकिन उस वो काम नहीं कर रही है अभी, अभी काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको नाम स्टेटस दिया। स्टेटस हम ये दो कंपनी को क्या देते हैं? स्टेटस। गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस, चैरिटेबल का स्टेटस, डॉर्मेंट का स्टेटस, ओपीसी स्टेटस। ओपीसी इज नॉट ए कंपनी, ओपीसी इज ए प्राइवेट ओनली। लेकिन ओबीसी के लिए हमने क्या दे दिया? स्टेटस। स्टेटस क्या दिया? इसका मेंबर कितना होगा? एक। मैक्सिमम 200 मत करना सब। तो ओबीसी के आगे के नाम क्या लगाया जाता है? यूजुअली प्राइवेट कंपनी के नाम क्या लगाया जाता है? एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लगाया जाता ना। ओपीसी के अगेंस्ट भी ऐसे ही लगाया जाता है। ओके, एक्सपर्ट, अगर सपोज एक्सपर्ट ओपीसी है तो एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? ओपीसी। तो प्राइवेट लिमिटेड ही होता है, यानी दो ही नाम लगते हैं। कौन से? प्राइवेट और पब्लिक। गवर्नमेंट कंपनी भी कौन सी होती है? प्राइवेट पब्लिक बस। अच्छा पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है मेरे को एक बार बताओ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं, मिनिमम का मेंबर छोड़ दो, विच इज नॉट ए, बस ये चीज ध्यान रखो, विच इज नॉट ए प्राइवेट इज। एवरीबडी क्लियर? ये तो क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन है, अगर मैं मेरी एक एक्सपर्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका नाम क्या होगा? एक्सपर्ट लिमिटेड, यही होगा। ओके, और प्राइवेट लिमिटेड है तो एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है ये प्राइवेट या पब्लिक है? प्राइवेट शब्द आ रहा है, जिसका प्राइवेट शब्द नहीं है वो लिमिटेड लिखा तो पब्लिक है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी कैन बी प्राइवेट ऑल्सो पब्लिक ऑल्सो, लेकिन इनको नाम लगाने की जरूरत नहीं आगे। तो गवर्नमेंट कंपनी को नोटिफिकेशन, 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 आज पढ़ा नोटिफिकेशन, 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 अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन आया कि गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक स्टेटस नहीं लगाएगी, खाली गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी नाम रहेगा। इसे आप जो भी कंपनी बोलो, आप सबको सिर्फ दो ही चीज में डिवाइड करो, कौन से? प्राइवेट पब्लिक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, इधर तक झिप रहा है, सब जा रहा है, बेसिक जा रहा है, बैकग्राउंड जा रहा है। ठीक है, कभी आपने सुना है लिस्टेड कंपनी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं, लिस्टेड। सो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मालिक? रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सुना है वह शब्द? एक है स्टॉक एक्सचेंज शब्द और एक है रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में भी डिफरेंस क्या होता है? वैसे अपने सिलेबस में खाली इसका बैकग्राउंड है, पर बैकग्राउंड को ही मैं सीमित रख के आपको समझा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब ओके, ये रिकॉग्नाइज भी हो सकता है, अनरिकॉग्नाइज भी। एग्जांपल, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अपने इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज है? दो। कौन से? एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके अलावा पूना स्टॉक एक्सचेंज होगा, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज होगा, चेन्नई ओके, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है उधर, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं है। तो कैसे, क्या मतलब होता है रिकॉग्नाइज? जिसको मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ओके करती है वो रिकॉग्नाइज होता है। सर ये होते क्या स्टॉक एक्सचेंज? ओके, एक मंडी, सब्जी मंडी होती है जिधर बेचने वाला भी आता है। स्टॉक एक्सचेंज एक मंडी होती है जहां पर शेयर बेचने वाला भी आता है, खरीदने वाला भी आता है, बस दैट्स इट। मंडी मार्केट, इसे मार्केट विदर सेलर एंड बायर, बस इतना है कि वो मार्केट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ये मार्केट सही है, यानी ये मार्केट में अगर कुछ भी हुआ, ये मार्केट में कुछ भी हुआ तो केस कर सकते अपन, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में डील किया तूने जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है तो कोर्ट में नहीं जा पाएगा, कोर्ट में नहीं जा पाएगा कुछ भी चीज के लिए, फ्रॉड हुआ कुछ भी हुआ तेरे साथ, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज क्या नहीं है? रिकॉग्नाइज। तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे होने चाहिए? रिकॉग्नाइज। ठीक है मालिक, ओके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो आप मेरे को बताओ, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। ओके, क्योंकि अपना सिलेबस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, बट ये मालूम होना चाहिए, सेक्शन का डिस्कशन है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एक चैप्टर में इसका छोटा सा डिस्कशन रहेगा।
ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आता है लिस्टेड मतलब क्या? जो कंपनी के शेयर्स रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, शब्द यूज रखो, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लेकिन आज से एक परसेप्शन नया तैयार करो, खाली शेयर्स लिस्ट होते हैं ऐसा नहीं है, ओके, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। मैंने से सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ओके सर, ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की चीज है जो अपन पढ़ेंगे, ड्यू कोर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खाली शेयर्स लिस्ट नहीं होते, डिबेंचर्स भी लिस्ट होते हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब लाइक ए लोन, पढ़ो ना ट्वेल्थ में, अकाउंट में था ना कुछ, फाउंडेशन में पढ़ा था ना ट्वेल्थ में, डिबेंचर नहीं आया उसके लिए लॉ क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। और अपन ये भी एंश्योर करेंगे, एक पॉइंट रहेगा जब अपन ये एंश्योर करेंगे आपका अकाउंट्स का टॉपिक और अपना वो टॉपिक अलाइन हो, यानी इधर दो दिन पहले पढ़ने का फिर अकाउंट्स में आंसर देने का, अलग मजा आएगा, भारी मजा आएगा। सर बोलेगा अरे माँ कसम तोड़ सर, अरे मजा आता ना क्योंकि लॉ, अरे उधर अकाउंट्स वाला क्या करेगा, मतलब अकाउंट मतलब सर मतलब ऐसा अकाउंट्स वाले मतलब सुशील सर मारना मत रे भाई मेरी आगे, तो सुशील सर क्या करेंगे, लॉ ही को ही फॉलो करेंगे ना रे, बस खाली वो अकाउंटिंग एंट्री समझाएंगे। डिबेंचर कितने साल में रिडीम होना चाहिए, तेरे को नॉलेज होना चाहिए सर 20 साल, लेकिन 30 साल भी कर सकते हैं, कंडीशन आप बताना चाहिए, सुशील सर पूछेंगे तुमको ऐसा आगे कब, तो तू बताना चाहिए सर आई विल टेल ओके, तो ओ भाई कैसे सर थोड़ा तो भारत माता की जय लॉजिक ये है। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट लॉजिक मेक इट श्योर आप ये चीज समझिए, लिस्टेड में जब मैं बोल रहा हूं लिस्टिंग में, तो वी डोंट ओनली लिस्ट शेयर्स, वी आल्सो लिस्ट, वी लिस्ट सिक्योरिटीज। तो मेरा क्वेश्चन है कौन सी कंपनी लिस्ट होती है, पब्लिक या प्राइवेट? पक्का एवरीबडी प्राइवेट भी लिस्ट होती है, लेकिन खाली फर्क ये है प्राइवेट डज, अगर आपके शेयर्स लिस्ट हुए तो वो प्राइवेट कभी नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर्स, व्हाई? बिकॉज दे कैन कैन नॉट कॉल फॉर मनी फ्रॉम पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी क्या लिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर लिस्ट कर सकती है? यस, ध्यान रखना, इसीलिए लॉ पढ़ते वक्त ये पढ़ते वक्त अगर पॉइंट आया एवरी लिस्टेड कंपनी एवरी, इसका मतलब इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो पब्लिक ऑल्सो, कहां पर लिस्ट होगी? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर। प्राइवेट क्या लिस्ट कर सकती है? डिबेंचर्स। प्राइवेट कंपनी शेयर्स लिस्ट नहीं, अगर प्राइवेट कंपनी ने शेयर लिस्ट किया इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को ऑफर आर्टिकल्स का चूना लगा दिया तुमने। अरे समझ में आया? अरे लॉजिक है ना यार, तो तुम अरे तुम इन्विटेशन टू दे माय, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अरे लॉजिक है ना, लॉजिक समझा क्या? तो तुम क्या लिस्ट नहीं कर सकते? शेयर। अगर शेयर लिस्ट, तो कौन सी कंपनी शेयर लिस्ट नहीं कर सकती? प्राइवेट। तो कौन सी कंपनी शेयर लिस्ट कर सकती है? पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी पर लिस्ट कर सकती है क्या? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लिस्ट हो सकता है। क्यों? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। तू आज क्या डेफिनेशन बोला प्राइवेट कंपनी का? डेफिनेशन बता मेरे को, क्या बोला? ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन किस पे? ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स पे। थोड़ा ना बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स है, ट्रांसफरबिलिटी प्रोनाउंसिएशन। समझ में आया ना मालिक? ठीक है, बढ़िया मालिक, जेब रहा है कि नहीं? तो अगर जेब गया तो मेरे को बताओ लिस्टेड कंपनी बोला मतलब कौन? मैं अगर बोल रहा हूँ लिस्टेड कंपनी, इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो, इट कैन बी पब्लिक ऑल्सो, बट प्राइवेट विल लिस्ट डिबेंचर्स, ओके, बट पब्लिक कैन लिस्ट शेयर्स ऑल्सो, डिबेंचर्स, पब्लिक कुछ भी लिस्ट कर सकती है, ओके समझ में आया? पर प्राइवेट खाली क्या लिस्ट करेगी? डिबेंचर्स। पर वो क्या क्या नहीं लिस्ट करेगी ये याद रखना। पर तो अगर अगर आपको एक्ट में पढ़ते वक्त अपने को आया एवरी लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब दिमाग में रखने का जो भी लिस्टेड है, इट क्या खाली पब्लिक मत रखना दिमाग में, लेकिन अगर अगर एक आपको मिला एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसका मतलब कौन सी वाली? पब्लिक जो लिस्ट हुई है, ओके, यानी अगर किसी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने डिबेंचर लिस्ट किए उसको निकाल दो। तो आपको जब एक्ट पढ़ते वक्त आएगा तो फिल्टर समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने बोला एवरी लिस्टेड कंपनी, तो कोई भी जो किधर लिस्ट है? रेकग्नाइज, रेकग्नाइज वर्ड होना चाहिए, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो वाले कंपनी को उठाओ। लेकिन मैंने बोला एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने डिबेंचर लिस्ट किए उसको ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है।
समझ में आया मालिक? ठीक है, तो एक 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 स्टेबल लेते हैं, वापस एक बार इन्वेंट्री लेते हैं, क्या क्या बताया मैंने आराम से। पहला क्या बताया मैंने समझाया, कंपनी कितने प्रकार की, दो, मैं अभी तक कोई सेक्शन पे गया ही नहीं हूं, मेरे को कुछ ये स्ट्रक्चर है, पर आप मेरे साथ रहिए। पहले कंपनी कितने प्रकार की, दो, कौन सी, पब्लिक। सर फिर सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, दिमाग में बिठा के रखा। इनको खाली क्या दिया जाता है, स्टेटस, इनके स्टेटस चेंज किए जाते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, फिर अपने डेफिनेशन पढ़ा, प्राइवेट मतलब कौन सी, तो प्राइवेट का डेफिनेशन बता दे, तीन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। अभी समझ में आया, शेयर ट्रांसफरबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, यानी अगर बाय चांस एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी के मैंने डिबेंचर्स लिए है, क्या लिया मैंने, 10-10 रुपए के डिबेंचर है, मतलब लोन जैसा ही है वो, क्या मैं वो डिबेंचर किसी और को दे सकता हूं, यस, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन किस पे डाल सकते, खाली शेयर पे, भारत माता की जय। तीसरा सिनेरियो, और एक क्या पॉइंट था, यू कैनॉट आस्क मनी फ्रॉम, यानी देर कैनॉट बी इन्विटेशन टू पब्लिक। तीन पॉइंट क्लियर, तो दूसरा सेट खत्म किया। तो फिर उसके बाद पब्लिक का डेफिनेशन क्या बताया मैंने, पब्लिक मींस जो प्राइवेट नहीं है। ठीक है मालिक, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा आंसर नहीं है, मैं और रहेगा, लेकिन सेटअप कर रहे हैं अपन। इसके बाद सर मैंने क्या बताया, मैं बोलता स्टॉक एक्सचेंज कितने प्रकार के, दो, एक होता है खाली स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। आपको कैसे मालूम पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज रेकग्नाइज है कि नहीं है, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज रेकग्नाइज होना है तो उसको किससे अप्रूवल चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करेगा। तो सर अगर मैंने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया है, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया, तो दिक्कत क्या है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता मैं, अगर उधर मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ओके, लॉ है उसके लिए, उसके लिए लॉ है, फिर मोदी जी इंटरफेयर करेंगे, फिर मोदी जी बोलेंगे नहीं भाई इसको बचाना मेरा काम है, इन्वेस्टर्स का देखरेख करना मेरा काम है। आत्मा क्लियर? इसके बाद मैंने बोला लिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये दो शब्द भी मिलेंगे, तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं बोलूंगा लिस्टेड कंपनी, कोई भी जिसने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट की है, क्या लिस्ट किया है, तो जब मैं सिक्योरिटी बोलूंगा उसमें शेयर भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया प्राइवेट कंपनी क्या लिस्ट नहीं कर सकती, शेयर्स, ये तो लॉजिक बिठाई देने का आपने। लेकिन मैंने बोला एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसका मतलब आपने किसको हटा देने का है, प्राइवेट कंपनी जिसने डिबेंचर्स या ऐसे कुछ लिस्ट किया है। डन, इधर तक इन्वेंटरी क्लियर, पक्का, ओके, यस मालिक, वो लिस्टेड नहीं होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर रहे हो, आपका देख रहे हैं, तुम्हारी खुद की मर्जी है, तुम्हारे घर का वो मंडी बना दिया तुमने, उसको लिस्टेड कहते ही नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा, मैं इसके पॉइंट को एक थोड़ा सा एम्फसाइज करता हूँ, सेबी सुना है, सेबी बोर्ड करके सुना है ऐसा कुछ, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, एक बोर्ड है, नाम तो समझ में आया, बोर्ड है ना ये, सिक्योरिटीज, क्या नाम है, नाम बोल वापस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है फिर ये बोर्ड है, पर ये क्या करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी, यानी क्या करती है, रेगुलेट, ओके, पर ये किसको रेगुलेट करेगी, खाली रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कल अगर रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ में इन्वेस्टर को फ्रॉड हुआ, कौन रूल प्ले करेगा, सेबी, सेबी रूल प्ले करेगी। लेकिन तुम आए मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में गए और साला उधर ट्रेड किया, उधर कोई स्टॉक एक्सचेंज होता कह रहे हैं, ऐसा दुकान पकड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मंडे ही, बस खाली ये क्या हो गया, अपन आज के डेट में ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन हो रहा है वो, ओके, बाकी वो मंडे ही है, ओके, अंबानी धीरू भाई अंबानी ऐसे ही मंडे में वो शेयर मार्केट बेचे भाई, ओके, जैसे मंडे इमेजिन कर, मैं बेचने वाला, अरे मेरे पास ये शेयर थे, अरे 10 शेयर थे, ओके, तेरे तो बोला अरे 10 शेयर में खरीदने के मेरे को, मैं बोला मेरे को बेचने के, अपन अमाउंट निगोशिएट करते हैं, मैं बोला 100 रुपये में बेचने के, तू बोला 95, मैं बोला 99, तू बोला 96, मैं बोला 97, तू बोला 96.5, समझ, यही तो हो रहा है इधर भी, खाली बोलचाल की जगह कंप्यूटर कर रहा है। तो अब ये सब चीज अगर अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हुआ तो उसको कौन नहीं देखेगा, सभी बोलेगा ये तुम्हारा काम है, ये रेगुलेटेड नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं आता है क्योंकि ये रिकॉग्नाइज नहीं है। और अगर ऐसा देखा जाए तो हर जन किधर ना किधर मंडे ही खुलेगा किधर ना किधर। तो तुमको क्या शेयर सिक्योरिटीज वाले इन्वेस्टर को क्या बोला हुआ, इन्वेस्टर सतर्क रहो, कहां पर इन्वेस्ट करो, रिकॉग्नाइज, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज।
अनरिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं अभी खोल सकता हूं, इधर ही खोल लेते हैं अपन। ओके एक्सपर्ट स्टॉक एक्सचेंज, ओके ये बेचना है खरीदना है नहीं पॉसिबल नहीं मालिक, गलत गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आया? तो सभी अगर जब भी सभी की बात आएगी तो सभी किसको देखेगा? रिकग्नाइज, तो रिकग्नाइज तो उसमें लिस्टेड कंपनी मैंने बोला मतलब वो नहीं लिस्टेड कंपनी, वो प्राइवेट वर्ड छोड़ दे, लिस्टेड है मतलब वो किधर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज मत बोल कभी भी, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उधर लिस्टेड है वो, भारत माता की जय, जयपा मालिक। तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड विद कॉन्सेप्ट क्लियर, तो स्टॉक एक्सचेंज को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की कहानी अपन गए आगे और एक आपको मैंने सेबी बता दिया, सेबी सेबी किसको गवर्न करता? नहीं नहीं सेबी गवर्न करता है लिस्टेड लिस्टेड कंपनी को, किसको? लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विच इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, दो नाम कौन सा, क्योंकि अभी सेबी हो गया इसलिए मैं बात कर रहा हूं। सेबी किसको गवर्न करता? लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विच इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, मतलब लिस्टेड मतलब जो लिस्ट हो चुकी है किधर, रेकॉर्ड, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग यानी अभी मैं अनलिस्टेड हूं लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किए है, काय के लिए? लिस्ट होने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। तो सेबी हमारे को भी देखेगी और जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसको देखेगी। इन शॉर्ट सेबी किसको कंट्रोल नहीं करेगी? अनलिस्टेड यानी प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी में फ्रॉड हुआ सेबी बोलती है मेरा रोल नहीं है, मेरा रोल नहीं है, तू मेरे पास आई मत। इमेजिन करो सुशील भंडारी सर और विनोद रेड्डी सर, ये दोनों मेंबर, तीन मेंबर, प्रशांत साढ़ा सर, अगर इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ शेयर का या कुछ फ्रॉड हुआ, ओके ये सेबी के पास जा ही नहीं सकते। प्रशांत साढ़ा सर सेबी के पास गए, बोले ओ सुशील भंडारी सर और विनोद रेड्डी सर, ओ सेबी बोलेगा, ओ सेबी बोलेगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। तो इस केस में अपन किधर जाते हैं फिर? कोर्ट, कोर्ट में जाएंगे। अरे आपसे सवाल पूछ रहा हूं मालिक, को लगता है कोर्ट में 1760 केस पड़े हैं जिसमें एक जन ने मर्डर किया उसका केस चल रहा है, ओके एक जन ने मर्डर किया उस पर सुनवाई चल रही है, मर्डर किया हुआ है, ओके जिसके दूसरे लोग बोल रहे हैं इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है, और प्रशांत सजा रहे माय शेयर्स। जज साहब क्या सुनेंगे? पहले बोलेगे तेरे शेयर चल निकल इधर, मरा है कोई, समझ? कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है यार, कोर्ट में कंपनी का केस कब आएगा भाई? ओके तो बोले सर इन्वेस्टर का फ्रॉड सेबी है ना फिर, पर वो सेबी किसके लिए? लिस्टेड के लिए। तो यार फिर अरे छोटे मोटे फिर क्या होएगा सर ऐसे केसेस में? एमसीए एनसीएलटी, बढ़िया एक नाम है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब ये पॉइंट पे आ रहा है। ओके जैसे कोर्ट होती है ना उसी हायरार्की की कोर्ट बनाई गई है। सर किसने बनाई? सीजी नहीं एक्ट, पार्लियामेंट, 402 सेक्शन, 403 सेक्शन, 404 सेक्शन, इन्होंने पावर दिया है एक्ट में कि हम कोर्ट जैसा एक सेटअप बनाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रिब्यूनल। हम ट्रिब्यूनल शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ट्रिब्यूनल, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके तो पर मैं शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करता हूं? एनसीएलटी, एनसीएलटी भी यूज नहीं करता मैं, ट्रिब्यूनल। ओके ट्रिब्यूनल यानी अगर मेरे को कुछ दिक्कत हुई अभी इसके रिलेटेड, कुछ भी दिक्कत हुआ किधर जाएगा मैं? कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा, फिर ट्रिब्यूनल कुछ तो पास करेगा ऑर्डर, फिर हम किसके उसके अगेंस्ट भी जाना है, नहीं ट्रिब्यूनल साला नहीं जमा, अपेलेट ट्रिब्यूनल। कौन सा ट्रिब्यूनल? अपेलेट। यानी दो ट्रिब्यूनल लेवल है, कौन से दो लेवल है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। अपेलेट मतलब अपील, किसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल। यानी पहली बार किसके पास जाना पड़ेगा? फिर ट्रिब्यूनल 3 महीने में सुनवाई करेगा, 3 महीना उसको टाइम दिया हुआ है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, 450 सेक्शन, 420 सेक्शन में दिया, ट्रिब्यूनल 3 महीने में सुनवाई करेगा, ट्रिब्यूनल 3 महीने में सुनवाई करेगा। ओके उसके बाद तुम सेटिस्फाइड नहीं हो उस ऑर्डर से, ट्रिब्यूनल ने बोला एक काम कर प्रशांत सर इतना नुकसान है ना, ओके सुशील सर विनोद सर ओके इतना नुकसान की भरकाई करो। प्रशांत सर बोल रहे सर मैं ट्रिब्यूनल में आया इतना पैसा हुआ इधर आने जाने का खर्चा, अरे प्रशांत सर तो एक एक खर्चे में हिसाब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रिब्यूनल बोलता है ये नहीं देखने वाला, चल जाने दे इतना है। प्रशांत सर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। तो प्रशांत सर किसके किधर जा सकते हैं? अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं।
और अपलेट ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन द कॉन्सेप्ट कम्स इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, तो यानी हायरार्की क्या होती है कभी भी कंपनी लॉ में? ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सर्टिफाइड नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एंटरटेन एनीथिंग। इफ यू नॉट सर्टिफाइड, गेट आउट, डोंकी मंकी आउट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अबे सुप्रीम कोर्ट कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, है ना? एक कोर्ट तुम्हारी, मतलब तुम सर्टिफाइड नहीं हो। और हाई कोर्ट कितने होते हैं? हर एक जगह का अलग अलग है। ओके, तो आप इमेजिन करो सब जगह से जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज साहब वहां कदम, सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर जाते हैं जिसमें लॉ में एम्बिग्युटी हो। जिसमें किसमें एम्बिग्युटी हो? लॉ, लॉ का इंटरप्रिटेशन इशू हो। लॉ का क्या इशू हो? इंटरप्रिटेशन। लॉ में इशू आ रहा है तो मेरे पास आ, लॉ में इशू नहीं है ना, लॉ की वजह से ये पेनल्टी आ रही है और तू पेनल्टी के लिए, कम करने के लिए माफी माफी, पेनल्टी कम करो, सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे गेट आउट, डंकी मंकी गेट आउट। बट नेवर्थलेस, ओके, मेरे के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, पर ओनली फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। बाकी अदरवाइज तेरी हायरार्की कहां पर एंड हो जाती? हाई कोर्ट। तो तीन तीन हायरार्की याद रखने की तूने, यानी अगर कुछ भी मैटर हुआ, ओके, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हर टाइम तेरे सिलेबस में नहीं है। हाई कोर्ट खाली दो ही जगह तेरे को सिलेबस में आएगा पूरे, हर जगह तेरे को नाम किसके आएंगे, यानी कुछ भी इशू आया किसके पास? तू शेयर होल्डर है, परेशान है, ट्रिब्यूनल। किसका दरवाजा खटखटाएगा? ट्रिब्यूनल। सेबी नहीं, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल सेबी को ऑर्डर दे सकता है, उधर ढूंढूंगी इंक्वायरी कर। सेबी इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, नॉट एन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। दो शब्द दिए मैंने अभी, एक अथॉरिटी का नाम रेगुलेटरी और एक अथॉरिटी का नाम एजुडिकेटरी। एजुडिकेशन मतलब जज साहब जैसा, तो जज साहब जैसा अथॉरिटी क्या है? अगर सेबी को कुछ मिला भी तो सेबी को भी किसके पास जाना पड़ेगा? अगर सेबी को फ्रॉड भी मिला तो सेबी किसके पास जाने वाला है? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल को बोलेगा कंपनी दे, ये देख ये इनके अगेंस्ट कर भाई फ्रॉड साले। पर वो जजमेंट कौन पास करेगा? सेबी नहीं कर सकता। सेबी इज लाइक इंस्पेक्टर्स, सेबी इज लाइक इंस्पेक्टर फॉर कंपनी लॉ। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड तोड़ रेडी हो रहा है मालिक, पक्का? ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, जहां पर मेरे को ये लॉजिकली अपन एंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर अपन चैप्टर्स को देखते हैं स्ट्रक्चर में। सर आपने प्राइवेट कंपनी देख ली, पब्लिक कंपनी देख ली, क्लास ऑफ कंपनीज केस में डिस्कशन कर लिया, ब्रीफ ब्रीफ मैंने डिस्कशन कर लिया, फिर मैंने आपको ये भी बताया लिस्टेड कौन सी होती है, फिर मैंने आपको बताया इसको देखने के लिए कौन है, सेबी है, फिर अगर कुछ इशू आए तो किसके पास जाते हैं? ट्रिब्यूनल। ये सारी हायरार्की मेरे को ऐसे मोटा मोटी समझ गई, अभी ये आइडिया आ गया कि अगर ऐसा कुछ शब्द आया या ऐसा कुछ हुआ तो ये, मैं ट्रिब्यूनल बोला तो मतलब कौन, ये हुआ तो कौन। उसी तरह एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंपनी लॉ केस में, एंड दैट इज बेसिकली जब भी अपन कुछ भी डिस्कशन करेंगे, ओके, हम दो जन को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब दो जन मेनली होते हैं। आपने जब प्राइवेट कंपनी बोला तो प्राइवेट कंपनी में आपने बोला दो लोग होने चाहिए, 200 लोग होने चाहिए, ये कौन है? मेंबर्स। लेकिन कंपनी मेंबर्स नहीं चलाते, ओके, कौन चलाते हैं? डायरेक्टर्स। दो अलग अलग लोग, एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स मतलब कौन? इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, दे आर कॉल्ड मेंबर्स। एंड एक होते हैं कंपनी चलाने के लिए, That is called directors. To be very precise, इसको मैं example बोलूँ, okay, expert academy में हो सकता है investor या member और कोई होगे, लेकिन काम डीसर, director, director कौन appoint करता मालिक? यानी दो जन अपन logically link करेंगे अभी। आप सब लोग कौन हो? आप सब लोग कौन हो मालिक? Members. तो आप लोग ने क्या किया है? Member हो मतलब invest, यानी आपने पैसे दिए और मैंने आपको क्या दिया? Shares. याद रखना bond नहीं बोला मैंने, मैंने म्यूचुअल फंड नहीं बोला, मैंने डिबेंचर नहीं बोला। डिबेंचर दूंगा तू मेरा मेंबर नहीं है। मेंबर के लिए क्या होना जरूरी है? शेयर्स। अगर मैंने तेरे को डिबेंचर दिया तो तू मेंबर नहीं है, तू कौन है? क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर। लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? डिबेंचर होल्डर, ओके, सिक्योरिटी होल्डर। लेकिन जब शेयर होल्डर होता है तो हम उसको नाम क्या देते हैं? मेंबर। There may be more difference between member and shareholder, but I just need to make you understand that member is a particular person who is actually a shareholder. There may be difference. Member ऐसा भी हो सकता है जिसके पास share ना हो, क्योंकि एक company हो सकती है which is not limited by shares.
इट इज अ कंपनी विच इज अ गारंटी कंपनी. गारंटी कंपनी में मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते, क्योंकि गारंटी कंपनी में ओके आप जो मेंबर्स होते हैं ना वो गारंटी देते हैं कि इस कंपनी का इतना क्रेडिट हुआ और कंपनी डूब गई हम पैसा इतना देंगे. अब इसके ऊपर की पंचायती ये क्या है क्या नहीं है नेक्स्ट वीक ही आएगा, अभी नहीं आने वाला. ओके गारंटी कंपनी यानी ये पॉइंट है. ओके अपने को आएगा, पर आपको एक बेसिक पॉइंट ये स्ट्रक्चर रखो. तो मेरे को बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया होगा? ओके इसके तुम डायरेक्टर्स हो. मेंबर्स 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 मेंबर्स. मीटिंग होगी, वोट किया जाएगा. मीटिंग जैसे कल नाम लिया ईजीएम हो, एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम हो, वो वॉट एवर, पर वो अपने सिलेबस में कभी नहीं आने वाला तुम्हारे सिलेबस में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है सर, क्योंकि सेक्शन 149 इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सर कैसे अपॉइंट करेंगे? अपने सिलेबस कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं. आप वोट करोगे, अमित आदर खड़ा है आपके सामने. ओके अमित आदर वांट टू बिकम ए डायरेक्टर. ओके प्लीज वोट. फिर आप वोट करोगे, वोट में कुछ तो होगा, वो क्या होता है? मैं हाँ मैं डायरेक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा? मेजोरिटी वोट. मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम, यानी वोट इन फेवर शुड बी मोर देन 50% ज्यादा वोट इन अगेंस्ट, मतलब मेजोरिटी 50 पॉइंट जो भी हुआ. मतलब मेरे को बताओ मैं डायरेक्टर बनूं या नहीं बनूं? एग्जाम्पल ओके भाई यार 200 जन है, 200 जन में से 50 जन ने 150 जन ने हाँ बोला और 50 जन ने ना बोला. बनेंगे पक्का? क्यों? मेजोरिटी हाँ बोला, इसको क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में? मेजोरिटी ने हाँ बोला, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन. क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन. क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन. ध्यान रखना, क्योंकि अभी से मतलब कल और आगे से अपने को शब्द रेजोल्यूशन याद रहने चाहिए. अगर हमने कुछ भी डिसीजन लेने हमें मतलब कौन मेंबर, आपको रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे. और दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं मालिक, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. दो नाम चाहिए मुझे रेजोल्यूशन के, दो नाम क्या क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. अभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है या स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन बाद में करूंगा. अभी के लिए दिमाग में आपके तोड़ रेडी होना चाहिए. 51% ओआर, ओआर का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और 75% SR, special resolution. इधर पॉइंट क्लियर? पर ये 75% एग्जैक्टली मत लगाओ, ये मैंने क्या बोला आज स्टार्टिंग में है, क्योंकि मेरे को रेजोल्यूशन आने वाले हैं. पर जिस दिन एक दिन मूड आएगा उस दिन मैं आपको पूरा उसका सेक्शन डिस्कस करूंगा मैं. तो ओआर एसआर, पर अभी के लिए ओआर एंड एसआर का लॉजिक. ओआर का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर का फुल फॉर्म, एवरीबॉडी क्लियर? तो अभी अगर मेरे को बोलना है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है मतलब कितना? 51%. और एसआर हुआ है पक्का? तो अगर मैंने बोला मुझे ओआर चाहिए, अभी मेरे को एग्जांपल एक एमओए है, एमओए एमओए ये एमओए है, ये एमओए को कुछ चेंज करना है मुझे, एग्जांपल है, तो मुझे ओआर चाहिए, तो 51% ने हाँ बोलना चाहिए तो होगा. ओके मुझे एसआर है, एसआर चाहिए, 70% ने हाँ बोलना चाहिए. पक्का क्लियर? इसके बाद दो तीन चीजें, दो तीन पॉइंट को मैं क्लियर करवा दूँ, क्लियर करवा दूँ, दो तीन पॉइंट को क्लियर करवा दूँ. क्लियर होना जरूरी है. ओके 200 मेंबर्स है अपने, 200 अब प्राइवेट पब्लिक छोड़ दो, 200 मेंबर्स है, क्योंकि हर कंपनी के लिए ओआर एसआर चाहिए. ORSR का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. आत्मा सारी मेरे पास? अरे हाँ या ना? पक्का एवरीबॉडी? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मेरे को एक चीज क्लियर बताइए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, लॉजिक लगाइए. ओके 200 मेंबर्स है, मीटिंग में सिर्फ 50 मेंबर्स आए. कितने मेंबर आए? 50. मैंने मीटिंग की नोटिस सबको भेजी थी ना, नोटिस भेजनी चाहिए तो ही मालूम पड़ेगा ना मीटिंग है कल. सरप्राइज मीटिंग ऐसा नहीं होता है, नोटिस होती है, 21 दिन की नोटिस होती है, ये सब नोटिस होती है, सरप्राइज नहीं होगा मालिक. ओके नोटिस, नोटिस पीरियड है जो भी है, नोटिस पीरियड अपनी इंटरेस्ट है नहीं अपने नोटिस पीरियड में, एक ही दिन में थोड़ा लॉ खत्म करना. तो अपना पर नोटिस गई होगी, नोटिस में आए आए कितने मीटिंग में रहे? 50. अब 50 में से 30 हाँ बोल रहे, 20 ना बोल रहे. क्या मेरे को बताओ क्या अमित आदर को डायरेक्टर बनावे कि नहीं, ऐसा ये पॉइंट आया. ओके तो मेरे को बताओ 50 में से कितने हाँ बोल रहे? 30. और कितने ना बोल रहे? एवरीबॉडी तो मेरे को बताओ डायरेक्टर बनावे कि नहीं बनावे, बनाए या नहीं बनाए? पक्का एवरीबॉडी? पक्का? मेरे को नहीं लगता. 200 में से 100 चाहिए थे ना, तो प्रेजेंट 50 है तो, पर 100 टोटल ना, टोटल 200.
तो रिजोल्यूशन कैलकुलेट करते वक्त किसको दिखते हैं? जो मेंबर मीटिंग में आए सर, जो नहीं आए उनका, उनको हमने नोटिस भेजी थी कि अमित आदर को सिलेक्ट करना है, तो ये बोलते हैं अमित आदर अपॉइंट हुआ भी या नहीं भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ रहा था, वाय समझ में आया? ठीक है, कितने जने वोट किया? 50 ने वोट किया ना, उसमें से 5 जन ने हा में भी और ना में दोनों में टिक किया। रहते क्यूट, अब जिसको मालूम नहीं क्यूट किया, डोंट वरी, यू विल कम टू नो। वैसे लिखा जाता कुछ तो उसको मैं ऐसा वर्ड, इट डजंट मेक सेंस टू डिस्कस दैट वर्ड ऐसे ऐसे, पर दैट इज वेरी कॉमन वर्ड। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरे को बताओ 5 जन जिन्होंने हाँ ना लिखा है, ओके सुना, तो 5 जन है जिन्होंने हाँ ना लिखा है, अब थोड़ा सा थॉट भी लगा, ओके यानी 50 में से कितने जन बैठे, 50 में से कितने जन ने वोट दिया? 45, ओके और 5 जन के वोट हाँ ना दोनों थे, ओके अब मैं बोल रहा हूँ 24 ने हाँ बोला, ओके 21 ने ना बोला और 5 जन के वोट ऐसे आए, ओके अमित आदर को अपॉइंट करे या ना करे, क्या बात कर रहे हैं? अबे क्या पागल भी गल हो गया? नहीं भाई कुछ कुछ है नहीं, इधर क्यों बंद हो गया, इधर तो दिख रहा है, वो भी बंद हो गया, वो चालू था क्या, सब बंद ही हो गए? चालू है वो तो, यानी बाद में देखेंगे, पर अभी वाले इसमें तू आंसर दे, तो ऐसे सुन ना मेरा, ऐसे सुन मेरा, सुन ना वो शब्द को सुन, कितने जन 200 मेंबर, तो तू एक चीज समझ गया, जितने आए उसका डिस्कशन चल रहा है, अब कितने आए 50 में से कितने जन का वोट झंडू जैसा निकला, 5 झंडू निकले, 45 में से कितने हाँ ने बोला, कितने जन हाँ बोला 24 और कितने जन ने ना बोला 21, रिजोल्यूशन पास या नॉट पास? ओआर चाहिए अपने को, एसआर का डिस्कशन नहीं, पर ओआर एसआर डिफरेंस तो समझ में आ गया, पर रिजोल्यूशन पास या ना पास क्यों? अरे 50 का 26 होना चाहिए ना, तो 5 को काउंट करना है क्या? नहीं, ओके जिसने वोट ऐसा हुआ उसको भी कैंसिल, जिसने वोट नहीं दिया वो भी कैंसिल, उसको टोटल में डालो मत, जब मेजोरिटी काउंट करोगे किसको काउंट करने का? जिसने वोट या तो हा या ना, वैलिड वोट्स, कौन से वोट्स वैलिड, यानी कैलकुलेशन करते हो किसको किसको निकालोगे, पहली बात जो मीटिंग में नहीं आए निकल गए, तो अभी किसको कैलकुलेट करोगे, जो मीटिंग में आए, एवरीबॉडी क्लियर? अब जो मीटिंग में आए जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी निकाल दो, देखो मेजोरिटी के लिए अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैं बोल रहा हूं 200 का मेजोरिटी तो 101 हो गया, तो जिंदगी में कभी रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्यों मीटिंग में सारे जन आते ही नहीं कभी यार, ओके तो रिजोल्यूशन पास होने के लिए आप क्या देखोगे, पहला टोटल या मीटिंग में जो आए, ठीक है, अब मीटिंग में जो आए जिन्होंने वोट किया या जिन्होंने वोट नहीं किया उसको भी लेना है, जिन्होंने वोट किया उनको लोगे, आत्मा क्लियर? ठीक है, अब जिन्होंने वोट किया वो वैलिड भी हो सकता है इनवैलिड भी हो सकता है, वैलिड यानी इनवैलिड को भी निकालोगे, किसको किसको निकालने का, जो नहीं आए, जिन्होंने वोट नहीं किया, जिन्होंने इनवैलिड वोट किया, ये सब निकल जाएंगे, फिर इसके बाद जो बचेगा वो टोटल है, उसमें से आप देखो किसने हाँ बोला किसने ना बोला, अगर हाँ मेजोरिटी है रिजोल्यूशन पास, नहीं है तो रिजोल्यूशन नहीं। अभी एग्जांपल, ओके 50% थे जो आए मीटिंग में, ओके 5 जन ने वैलिड वोट नहीं दिया, समझ में आ गया, कितने जन मरिए 45 में से 25 बोलते हैं अमित आदर नहीं चाहिए, 20 बोलते हैं अमित आदर चाहिए, नहीं होगा तो डायरेक्टर अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड, पक्का? तो आपको क्या समझा, अगर डायरेक्टर को पहला पॉइंट तो क्या समझा, शेयर होल्डर मेंबर और डायरेक्टर होते हैं, मेंबर एंड डायरेक्टर, मेंबर एंड डायरेक्टर, ओके और मैंने आपको बताया डायरेक्टर को अपॉइंट करो या कुछ डिसीजन लेना है कंपनी में जिससे मेंबर से पूछूंगा मैं, ओके उसमें क्या पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, कौन से दो तरह के, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, ऑर्डिनरी कैसे मानना पड़ेगा 51% से ज्यादा इज ऑर्डिनरी और स्पेशल कैसे मानना पड़ेगा 75, अभी के लिए वही है पर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैं आपको पहले दिन में क्लियर कर रहा हूं, पर ये क्या है थोड़ी सी जानकारी अपने को चाहिए तो मालूम पड़े, भारत माता की जय, शिवा मालिक, ठीक है ओके एक 2 मिनट
जिसको इस पॉइंट को अपन ये पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। कंपनी जब चालू होती है कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। उनको कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? प्रमोटर्स। प्रमोटर शब्द सुना है? प्रमोटर मेंबर। ओके, तो हु आर प्रमोटर्स? वापस चालू हुआ था ना ये? छोड़ दे, वापस मान लो कुछ हो गया तो तोड़। प्रमोटर मेंबर, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कौन होता है? ओनर। तो मेंबर ओनर नहीं होता? देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेंबर भी ओनर ही है ना। हु मे नॉट बी प्रमोटर, ओके, हु मे नॉट बी प्रमोटर बट दी इज ए मेंबर। तो मेंबर ओनर, ओनरशिप किसके पास है? मेंबर के पास, प्रमोटर के पास नहीं है। प्रमोटर कैसे डिफाइन होगा? हाँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। हु आर द सब्सक्राइबर्स टू एमओए? अब ये क्या होता है देखेंगे, पर सब्सक्राइबर जब एमओए बना होगा ना, एमओए के बिना कंपनी आती ही नहीं है। एमओए चाहिए, एओए चाहिए, ये दो पहले चाहिए, फिर कंपनी की बर्थ सर्टिफिकेट मिलता। कंपनी की बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दो चीज की जरूरत है, एमओए एओए। तो जब एमओए एओए गए तो एमओए में जिसने साइन किया ना, साइन साइन साइन, सब्सक्राइबर्स, वो लोग कौन है? प्रमोटर्स। खाली वो लोग ही प्रमोटर है कि और कोई प्रमोटर हो सकता है? बस अपने को ये डेफिनेशन को एक्सपांड करना है। और कोई प्रमोटर हो सकते हैं कि खाली वही प्रमोटर? बढ़िया मालिक, ओके। नेवरदेलेस आपकी जो सीमा है वो खाली लॉ तक है, आपके सोच तक है। लॉ इससे बड़ा सोचता है। लॉ क्या सोचता है बड़ा? एग्जाम्पल कंपनी, आप है, आप कंपनी चला रहे हो, और लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही है भाई। लॉ में एक चीज याद रखना, प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं, इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। आपको इधर मैंने बताया, एक चीज कर, दो चीज कर, तीन चीज कर, चार चीज कर, पांच चीज कर, दैट्स इट, ओके। ये पांच चीजें तूने नहीं की या कुछ प्लस माइनस हुआ, मैं फिर ट्रिब्यूनल के पास जा सकता, अदरवाइज ट्रिब्यूनल के पास जा ही नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मैं हमेशा, मेरा कॉमन एग्जांपल है, ओके। सपोज तुम्हारी कंपनी में मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ या डायरेक्टर अपॉइंट किया, तुमने मुझे डायरेक्टर अपॉइंट किया, ओके। डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद ये बहुत एक्सपर्ट है, ये बोले रिमूव दिस डायरेक्टर, ये तीन बोले, मैं बोला क्यों, ओके। ये बोले ओ भाई तू पसंद नहीं है हमको, हमेशा बोलते हैं पास पास पास, हम रैंक नहीं पसंद है, निकल तू निकल। मैं बोला निकल, अभी इनको अगर मुझे निकालना है तो क्या इधर लिखा हुआ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? इन्होंने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। मैंने उनको वापस आके पूछा कारण बता, बोले तू काला सावला है, चल निकल, आई डोंट हैशटैग स्टॉप रेसिज्म। मैं सटक गई परी, ओके। ब्राउन पीपल मैटर्स, व्हाइट पीपल मैटर्स, ब्लैक पीपल मैटर, एवरी पीपल मैटर, जिंदगी झंड बट मैटर। मैं ऐसा बोला, अब कोर्ट में गया, मैं ट्रिब्यूनल के पास गया, ओ ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल दो, बर्थडे बॉय ट्रिब्यूनल, बैठा हुआ मुझे एकदम तंग आ गया, ट्रिब्यूनल ये मुझे निकाल रहा है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल देखो। बोले क्यों निकाल? मैं बोला सर ब्लैक मैटर, हैशटैग स्टॉप सर स्टॉप, रोको इनको, मुझे ऐसे निकाल रहे। ट्रिब्यूनल बोलेगा कम हियर, यही मुझे बोला कम हियर। बोले क्या? फर्स्ट स्टेप, क्या उन्होंने तुझे बोला था, नोटिस दिया था? मैं बोला हाँ। क्या उन्होंने तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बोइंग हट दिया? मैं बोला हाँ। क्या उन्होंने तुझे फेयरवेल स्पीच देने दिया? हाँ। क्या तुझे खाना खाने दिया, लिखा था ना इधर, दिया? हाँ। डोंकी मंकी गेट आउट। लॉ डज नॉट, रीजनिंग इज नेवर इंपॉर्टेंट इन लॉ, वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट, दैट्स इट। लॉ विल ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसीजर, देयर इज नो इमोशन अटैच्ड हियर। डोंट गिव मी डैम शीट सर, निकालने का कोई रीजन, ग्राउंड ही नहीं है सर, कोई ग्राउंड ही नहीं है इनके पास निकालने का, और मुझे निकाल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता निकालने वक्त या करते वक्त, ये इधर लिखा गया था वो किया उन्होंने, हा गेट आउट। बस ट्रिब्यूनल डज नॉट, ट्रिब्यूनल कब आपको एंटरटेन करेगी? जब आपने लॉ फॉलो नहीं किया।
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, देयर इज नो रीजनिंग. ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सर, 14 फरवरी है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में? कोई मैटर नहीं करता, 14 फरवरी बॉर्न हुआ, क्यों हुआ मैटर नहीं करता, हुआ ना, लॉ बोल रहा हुआ ना, ये हुआ ना, बस खत्म. अपन डिस्कशन कर रहे हैं हो रहा है या नहीं, क्यों. प्रमोटर में भी यही कॉन्सेप्ट है, आपने जो बोला वो सही है, जिसने साइन किया है ना वो प्रमोटर है, लेकिन लॉ थोड़ा से डेफिनेशन को बड़ा करता है, जिसके ऊपर कल बात करेंगे. ओके, तो कल मतलब जो ये जो मैंने अभी तक आज समझाया, दिस इज कॉल्ड ए कॉमन पूल. क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉमन पूल. स्टार्टिंग में अपन नोट में सबसे पहले कॉमन पूल है, यानी ये चीजें मैं बार बार रिपीटेटिव नहीं करूं, अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये जब डेफिनेशन आएगा इसको फिल्टर करेंगे हाँ, पर एक बार आप समझ, ये चीजें समझ जानी चाहिए बेसिक्स, और ये आपको हर सेक्शन में मिलती जाएगी, जिसमें सेबी नहीं मिलेगा, पर सेबी वो क्या, वो बाय प्रोडक्ट निकल गया, बाय प्रोडक्ट मतलब अभी आया पॉइंट तो निकल गया, अदरवाइज सेबी अपने कॉमन पूल का हिस्सा नहीं है. तो आपको जो मैंने बताया ये कॉमन पूल, कॉमन पूल मतलब ये अपन बार बार डिस्कशन में आएंगे, तो अपन एक बार समझ लेंगे, और तो बार बार वापस वही चीज समझने की जरूरत, क्योंकि लॉ को बार बार तो चीजें समझानी पड़ेगी हर जगह, और जिधर चेंज होगा उधर अपन डिस्कस करेंगे. बट टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे ख्याल से बेस रेडी हुआ ना बेस, अरे अब्बा डब्बा जाबा समझ रहा क्या. सी यू टुमारो मॉर्निंग शार्प 11:30. ओके, तो कल नहीं है ना एग्जाम बीकॉम का, नहीं है ना, खत्म हो गया, आए खत्म बीकॉम, बीकॉम खत्म, बीकॉम का सही हो गया था साला, ऐसा बीकॉम 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 क्या है, बीकॉम क्या है, 20 मार्क 50, ओ भाई 80 तोड़ मैन. बेयर मतलब रॉ, रॉ BARE बेयर रॉ, जो जहां से आया स्टार्टिंग, रॉ 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 का, और एक लीगल लैंग्वेज होता है बेयर इंटर.